गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बहुत ही लंबा इंतजार और फाइनली वह समय आ गया जब हम प्राचीन भारत के इतिहास में महाजनपद काल तक पहुंच चुके हैं। सभी का बहुत बहुत ही अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने इतिहास की इस कड़ी को इतना ज्यादा सराहा, इतना ज्यादा पसंद किया कि हमारी पूरी टीम निरंतर बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है और करती रहेगी। हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह से समझ चुके थे। फिर हमने वैदिक काल को दो भागों में पढ़ा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में। उत्तर वैदिक काल का समय वो समय था जहां पर लोहे का उपयोग अब बढ़ गया था और लोहे के उपयोग के बढ़ने के कारण माना जाता है कि कभी कभी एक धातु भी दुनिया बदल सकती है। उसका एक बेहतरीन उदाहरण महाजनपद काल के रूप में मिलता है। आज जो लाल लाली पहली बार इस कक्षा से जुड़ेंगे, मैं पहले पूरी बैकग्राउंड वाली स्टोरी जरूर बताऊंगा और फिर हम शुरुआत करेंगे महाजनपद काल के रूप में। तो आइए जरा चीजों को समझने की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से। और इंटरनेट में यदि कुछ दिक्कत आ जाए तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा रिफ्रेश करते चलिएगा, क्योंकि आज इंटरनेट की अवरोध और ये बाधाएं भी महाजनपद काल के इस पूरी कक्षा को रोक नहीं पाएगी। इसी ऊर्जा के साथ आज हम महाजनपद काल के हर आयाम को समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं, एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप लोग कदम कदम बढ़ाए जा से जुड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर आप लोग आंसर राइटिंग के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ कर सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी एनर्जेटिक टीम के साथ कर सकते हैं। इस समय अनअकैडमी प्रॉमिस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसके तहत आपको 7 जुलाई, जी हाँ कल तक, कल आखिरी दिन है, यदि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो अनअकैडमी नोट्स गारंटेड मेंस तक का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। 1 ईयर का एसएससी और बैंक सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है 1 ईयर और उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर। प्रॉमिस वीक के तहत 2 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन में सिलेक्शन न होने पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। 30,000 रुपए तक की टेस्ट सीरीज और कॉम्बो ऑफर भी दिए जा रहे हैं। संडे के दिन, जी हां 11 जुलाई को एक स्पेशल सुबह 11 बजे कॉम्बैक टेस्ट रखा जा रहा है, मेगा कॉम्बैक टेस्ट जिसमें आप जीत सकते हैं कई सारे प्राइजेस और 500 रैंकर भी अमेजोन वाउचर प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपके पास इस समय एक बेहतरीन समय है जिसमें आप सारी चीजों को एक ही बार में एक ही फीस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मल्टी एजुकेटर, सारी चीजें। लोन के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको आर्थिक समस्या आ रही है तो लोन के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप चुन सकते हैं सबसे बेहतरीन, न केवल आपको मेंटर्स दिए जाएंगे बल्कि आपका लाइव टेस्ट और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी होगी। एमके लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए आप एमके लाइव रिफर कोड उपयोग करते चलिएगा। 7 जुलाई से कई सारे नए बैच बनाए जा रहे हैं, हिस्सा बन सकते हैं आप इन बैच का भी। और आइए शुरुआत करते हैं महाजनपद काल। शुरुआत करते हैं महाजनपद काल, और महाजनपद काल में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाजनपदों के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या हैं, राजतंत्र और गणतंत्र पर आधारित महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में प्रमुख जानकारी,
महाजनपद की सामाजिक स्थिति, महाजनपदों की आर्थिक स्थिति, महाजनपदों की राजनीतिक स्थिति, मगध का उत्कर्ष, क्यों मगध महाजनपद इतना शक्तिशाली बना, उसके कारण और परिणाम क्या हुए। तो आइए सबसे पहले एक कहानी के रूप में चीजों को समझना, मतलब मेरे हिसाब से इसे कहानी के रूप में समझना कि नाना नानी दादा दादी बताते थे कि एक राजा हुआ करता था, उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और एक परिणाम जिंदगी भर के लिए याद। तो कुछ कहानी से हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ऐसी बातों से शुरुआत करेंगे कि आपको कहीं से कहां तक उन चीजों को रटना न पड़े। कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2300 साल पहले हमने करवाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। कहानी की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में लगभग 2300 साल पहले, मतलब आज से 2300 साल पहले नहीं, जीरो टाइम से 2300 साल पहले, मतलब आज का 2100 जोड़ दीजिए और 2300, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 4500 साल पहले की बातचीत थी। सबसे पहले तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, और उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज तक पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है कि इतनी विकसित सभ्यता उस दौर में आखिर इस जगह कैसे विकसित हुई। कई सारी कल्पनाएं, कई सारी बातें, कई सारी चीजें वहां से जो प्राप्त हुई उसके आधार पर हमें बहुत कुछ जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे सिंधव सभ्यता, सप्त नदी वाली जो सभ्यता थी वह सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन वास्तविक रूप में इसका पतन होता है। कई कारण बताए जाते हैं कि पतन हुआ, जैसे डायनासोर के विलुप्त होने की बातों में कई सारे रीजन हैं, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की विलुप्ति में, समाप्ति में, पतन में कई सारे कारण हैं, वो बात वहां पर खत्म करते हैं। और उसके बाद कुछ वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि इतिहास कहां जा रहा है, हम लोग उस इतिहास की खोज में लगे रहे। फिर हमें पता चलता है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य नामक कुछ लोगों के द्वारा उस स्थान से थोड़ा पूर्व की ओर एक विशेष प्रकार की खानाबदोश मतलब कबाली इलाके वाली एक सभ्यता का विकास होता है, जिसमें लोग एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम कह सकते हैं कि जो आदि मानव वाले जीवन थे लगभग वैसी ही कुछ बातें इस सभ्यता में मिलती हैं, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसमें हमने दो काल देखे थे, ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद से इसके बारे में हमें जानकारी मिली, कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, यह प्रामाणिक जानकारी हमें एक ग्रंथों के रूप में प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में जब होती है तो इसका उपयोग बढ़ता है, तो लगभग 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल आता है। ठीक इसका अगला ही चरण, जिसमें कि धर्म, धार्मिक कर्मकांड बहुत बढ़ जाते हैं, कई प्रकार के रीति रिवाज, कई प्रकार की रूढ़िवादिता, कई प्रकार के अंधविश्वास, कई सारी बातें इसमें हमें दिखती है। उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और फिर 400 ईसा पूर्व तक, मतलब अगर हम बात करें तो यह 2300 ईसा पूर्व से लेकर आप 1750 ईसा पूर्व तक मान लीजिएगा, फिर यह लगभग 1500 से ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मान लीजिएगा, फिर ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मान लीजिएगा, और ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की बात चल रही है, जिसे महाजनपद काल कहते हैं। तो सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता, फिर बीच में कनेक्टिविटी ब्रेक है, हमें नहीं पता कि यहां क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके की घटनाएं हुई। जिस दिन टाइम मशीन बनेगी हम लोग आनंद लेंगे और देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद पतन कैसे हुआ, और वो 200-250 साल इस भारत की भूमि पर या फिर उस जगह पर आखिर क्या हुआ था। फिर ऋग्वैदिक काल की बात आएगी,
उत्तर वैदिक काल की बात आएगी और फिर महाजनपद काल की बात आएगी। इस महाजनपद काल के दौरान ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भारत में विकास, विस्तार, उदय, कई सारी बातें धर्म से भी जुड़ी हुई मिलती है, उसे हम अगली कक्षा में देखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं महाजनपद काल की। आपके मन में पहला सवाल होगा कि सर इसका नाम महाजनपद काल कैसे है? तो जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हम जानते हैं कि जीवों से मिलकर बनता है समुदाय, समुदाय से मिलकर बनते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्रों से मिलकर बनते हैं जैव मंडल, बायोम, बायोम से मिलकर बनता है जैव मंडल, बायोस्फीयर। कुछ ऐसी कहानी समझना जरा, अब मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन कर रहा हूं ताकि वे विद्यार्थी जो पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं उनको मजा आए कि हाँ यार मैं चीजें समझ रहा हूं और मुझे समझ में आ रहा है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल बिल्कुल एक तरीके से पुराना प्राचीन समाज, कबीलाई समाज, छोटी छोटी ग्राम, ग्राम परिवार का मुखिया, ग्राम का मुखिया, इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस और फाइनली कुछ छोटी छोटी चीजें शक्ति के रूप में दिख रही है। मतलब हम कहेंगे कि गांव से थोड़ी बड़ी इकाई, तहसील जैसी इकाई हमें यहां पर मजबूती के साथ दिखती है। तो हम कहते हैं कि भाई यहां पर लोग आखिरी रूप में जो शक्तिशाली इकाई थी वो जन थी, जन थी। फिर उत्तर वैदिक काल आते आते हमें उन जनों से भी कुछ बड़े, जैसे मान लीजिए कि अब इन्होंने क्या कर दिया कि इन पर आक्रमण किया, कल्पना करिए इन पर आक्रमण किया, इन पर आक्रमण कर दिया, इन पर आक्रमण कर दिया, एक बड़ा सा क्षेत्र बना दिया, फिर इन पर आक्रमण किया, इन पर आक्रमण किया, एक बड़ा सा क्षेत्र बना दिया, जैसे फिर ये जुड़ गए, फिर ये जुड़ गए। तो हमने इनसे कहा कि भाई ये जनों से मिलकर बने तो ये जनपद हैं। अब यहां पर लोग एक तरीके से स्थाई बसने लगे, इस कारण से इसका नाम जनपद रखा, जहां पर लोग स्थाई बसने लगे थे। अब ये बड़े बड़े क्षेत्र थे पर इनमें भी फिर प्रतिस्पर्धा हुई, अपनी शक्ति का विस्तार करने की इनमें भी विचार आए, और इस तरीके से इनमें जब शक्ति विस्तार के लिए राजाओं ने या इनके जो भी शासक थे इनके बीच में संघर्ष हुआ तो इन जनपदों से मिलकर बने महाजनपद। और ऐसे 16 महाजनपद का वर्णन हमें ऐतिहासिक रूप में जैन और बौद्ध धर्म की किताबों में प्राप्त होता है। हम देखेंगे कौन सी किताबों मिलता है, वो सब फैक्ट अपनी जगह पर है, पहले कहानी समझना। अब इसे थोड़ा सा व्यवहारिक चलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ होगा, बड़ा व्यवहारिक है। आप अपने थोड़ा सा व्यवहारिक चीजों को देखते चलिएगा। आप जहां रहते थे तो आज से लगभग 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात सोचिएगा कि आपका गांव, आपका शहर कितना छोटा था, फिर आपके गांव का शहर का विस्तार हुआ, आज वहां पर साइड में एक कॉलोनी पड़ गई होगी, दूसरी साइड में एक कॉलोनी बढ़ गई होगी, तो एक विस्तार हुआ। अब मान लीजिए कि एक शहर के बाद दूसरा शहर जुड़ने लग गया है तो वहां दोनों के शासन टकराने लगेंगे, तो कोई ना कोई एक को शक्तिशाली बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से राजनीतिक विस्तार होते चले गए, राजनीतिक विस्तारों के कारण उनके नामों में भी बदलाव आता गया। तो सबसे पहले हमें जन मिलते हैं, जन से मिलते हैं जनपद बनते हैं, जनपदों से मिलकर महाजनपद बनते हैं, 16 महाजनपद। तो इसे याद कैसे रखेंगे, हम जब भी कोई बात कहते तो हम कहते भाई 16 आने सही है, कहते ना हम 16 आने सही है, एक हमारे आर्थिक रूप में जो इकाई हुआ करती थी, तो 16 महाजनपद 16 आने से याद रखना है। तो सबसे पहले हम 16 महाजनपदों के बारे में फैक्चुअल जानकारी जो भी अवेलेबल है इतिहास में उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यह 16 महाजनपद आप में से कई लोगों को आसान लगेंगे जिन्होंने महाभारत, पुराने वाला महाभारत, मैंने नया महाभारत तो नहीं देखा, जिन्होंने महाभारत सीरियल पुराना देखा हुआ है। तो मेरे सभी लाल लालियों से रिक्वेस्ट है कि आप महाभारत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि महाभारत अगर देखोगे तो कई सारी चीजें आपको उसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पांचाल मिलता है महाजनपद, पांचाल मिलेगा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, कुरु मिलेगा, कुरु राजवंश वाला, फिर चेदी मिलेगा शिशुपाल वाला, शिशुपाल कृष्ण ने 100 गालियां माफ की थी। तो थोड़ी सी मैं महाभारत की बातें भी बीच बीच में बताते चलूंगा, क्योंकि कई सारी बातें, कई सारे राजा, कई सारे राजवंश, फिर आपने अंगराज कर्ण का नाम सुना होगा, अंगराज कर्ण, तो वो अंग महाजनपद,
अंग महाजनपद। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर महाभारत से बहुत मिल रहा है जुल रहा है, तो क्या महाभारत पूरा सत्य है? तो आज हमारा वो विषय बिल्कुल भी नहीं, मैं आज उसकी सत्यता और असत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं आज उपस्थित हुआ हूं कि वो महान इतिहासकार जिन्होंने इस इतिहास का वर्णन किया वे लोग क्या बातें बताते हैं इस इतिहास के बारे में। कई तथ्यों को, कई सारी चीजों को एनसीईआरटी और कई सारी जगह से जांचा गया है, लेकिन यदि कोई गलती मिल जाती है तो उसे मानवीय गलती के रूप में आप कमेंट्स बॉक्स में सुधार देना, बस हाथ जोड़कर मेरी इतनी विनती आप लोगों से है। पर हमारी टीम ने हर चीज को बहुत बारीकी से जांचा है, पर इतिहास का विषय झगड़े का विषय होता है मेरे नजर में। ऐसा इसलिए कहता हूं मैं क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारी बातें बदलती चली जाती हैं, कोई राजगिरी कहेगा, कुछ राजग्रह कहेंगे, चलता रहता है, जीवन चलने दीजिएगा ऐसे ही। तो आइए आनंद लेते हुए पढ़िएगा, आज समझिएगा कि आज महाजनपद काल में हम टाइम मशीन में आप सभी लोगों को लेकर जा रहे हैं और सभी महाजनपदों के बारे में मैं दिखाऊंगा कि हम अफगानिस्तान की सीमा तक जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पर जाएंगे, हम देखेंगे कंबोज को, हम देखेंगे गांधार को, हम आपको पश्चिम बंगाल की सीमा तक भी लेकर जाएंगे जहां अंगराज कर्ण का अंग महाजनपद है, दक्षिण में भी लेकर जाएंगे जहां आसन इस टाइप का महाजनपद भी है, राजस्थान में भी जाएंगे जहां मत्स्य महाजनपद की बात करेंगे। आइए देखते हैं जीवन का आनंद इस टाइम मशीन में कैसे लिया जाएगा। सभी लोग अपने कुर्सी की पेटियां बांध देंगे, टाइम मशीन की रफ्तार थोड़ी बढ़ सकती है। शुरुआत करते हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए इसी शुरुआत के साथ टाइम मशीन का बटन दबाते हैं और शुरुआत करते हैं महाजनपद काल की। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जगह थी वो यही बाउंड्री मानी जाती है जो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारत का उत्तर पश्चिम भाग, पाकिस्तान पूरा उसमें डाल दीजिए, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र और कुछ ईरान का हिस्सा भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद वैदिक कल्चर में हमें उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में ऋग वैदिक काल का ये क्षेत्र मिलता है और उत्तर वैदिक काल में हम पूर्व की ओर और आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में अभी हम पूर्व की ओर और आगे बढ़ेंगे और अब ये हिस्सा थोड़ा सा इतना ही सिमट जाएगा तो लगातार पूर्व की ओर इतिहास गति कर रहा है। ये मान के चलिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो चलना हमने शुरू किया तो पूर्व की ओर लगातार प्रस्थान चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो 16 महाजनपद हैं, पिछली कक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता और पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अज्ञात कारणों की वजह से पतन के बाद कुछ अवधि के लिए भारतीय इतिहास अज्ञात रहता है। इसके बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता का दृष्टांत मिलता है, मतलब आर्यों के द्वारा आर्य कहां से आए थे उस पर भी हमने चर्चाएं संक्षिप्त में की थी। उस वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में दो भागों में विभक्त वैदिक काल की अंतिम अवधि 600 ईसा पूर्व मानी गई है और 600 ईसा पूर्व भारतीय ऐतिहासिक पटल पर व्यापक परिवर्तन होते हैं तथा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम नगरीय क्रांति के बाद यह काल द्वितीय नगरीकरण का दौर माना जाता है। कुर्सी की पेटियां बांधने के बाद यदि आप कभी हवाई यात्रा करेंगे और कर चुके होंगे तो फिर एयर होस्टेस आती है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, तो समझ जाइएगा कि टाइम मशीन में पहला इंस्ट्रक्शन है कि इसके पहले हम लोगों ने जो यात्रा की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, हमें नहीं पता वो कैसे खत्म हुई, कुछ समय के लिए कोई जानकारी नहीं, फिर हम वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल में पहले ऋग्वैदिक काल की यात्रा हमने की थी टाइम मशीन में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम पहुंचे थे, अब हमारी टाइम मशीन आपको महाजनपद काल में लेकर जा रही है। आप सभी लोग केवल बातों को सुनेंगे, महाजनपद काल को ध्यान से पढ़ते समय गौर करेंगे कि हर महाजनपद काल का राजा कौन है, राजधानी कौन है, कौन शक्तिशाली था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस टाइम मशीन के द्वारा हम सब जगह आपको बताते चलेंगे। तो इस काल में महाजनपद का उदय होने के साथ जैन और बौद्ध धर्म का भी विकास होता है, तो महाजनपद काल के दौरान ही हमारे इस क्षेत्र में हमें दो नए धर्म का उदय भी मिलता है।
यहां से भारतीय इतिहास को एक निश्चित और क्रमबद्ध दिशा प्राप्त होती है और आगे चलकर फिर भारत का इतिहास उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में बट जाता है, क्योंकि अब पूर्व की ओर विस्तार खत्म हो जाने के बाद अब भारत में दक्षिण की ओर शासक अपना विस्तार करना प्रारंभ करते हैं। फिर यहां से हम उत्तर भारत का इतिहास अलग पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास अलग पढ़ेंगे जैन और बौद्ध धर्म की जानकारी के उपरांत। इसलिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का एक प्रमुख आधार यह भी है। 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा और इसलिए 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल की अंतिम अवधि माना जाता है। लगभग ये लोहे की जो खोज होती है वो ऋग्वैदिक काल की समाप्ति पर होती है और उत्तर वैदिक काल का शुभारंभ होता है। लेकिन लोहा बिल्कुल अत्यधिक मात्रा में जो उपयोग होता है वह हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में ही होता है और इसीलिए इसे कलयुग की शुरुआत कही गई होगी, क्योंकि कल का तात्पर्य लोहे से होता है। इसके बाद महाजनपद काल प्रारंभ होता है तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक, पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक और 600 से 400 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल। केवल 200 वर्षों का इतिहास अभी हम वर्णन करेंगे, लेकिन इसका आधा हिस्सा भी बाकी रहेगा क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म इसकी सारी कड़ियों को जोड़ेंगे। उत्तर वैदिक काल लगभग 500 वर्षों का इतिहास था, 400 वर्षों का इतिहास था, और लगभग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल 500 वर्षों का इतिहास था, और क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता काफी लंबे समय तक रही थी तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 600 वर्षों का इतिहास इनका मिलता है। तो 600 वर्षों का इतिहास लगभग 3.5 घंटे लग गए थे समझने में, 500 वर्षों के इतिहास को भी लगभग 2.5 घंटे लग गए थे, 400 वर्षों के इतिहास को लगभग 2.25 घंटे लगे थे, तो 200 वर्षों का इतिहास है। मुझे उम्मीद है कि 2 घंटे की कक्षा बड़ी आनंदमय चलनी चाहिए। तो हम जैसे कि जानते हैं उत्तर वैदिक काल, आप लोगों ने उत्तर वैदिक काल अगर नहीं भी पढ़ा हो तो घबराना नहीं, उत्तर वैदिक काल के जमाने में टाइम मशीन में अब एयर होस्टेस की जगह पर अब शिक्षक आ रहा है और मैं आ रहा हूं आपके सामने। अब मैं बता रहा हूं कि भाई जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुल का जो प्रमुख होता था कुलूप कहलाता था, ग्राम का जो प्रमुख होता था ग्रामिणी कहलाता था, विश का प्रमुख विश्वपति कहलाता था, जन का प्रमुख जनपति कहलाता था और फिर जनपद का प्रमुख बनता था राजा। अब ऐसे राजाओं के बीच में जब शक्ति संघर्ष होता है और वो अपनी शक्ति विस्तार की बात करते हैं तो कई जनपदों से मिलकर एक महाजनपद बनते हैं। फिर महाजनपद के बाद हम इसकी बात कर सकते हैं राष्ट्र की, पर अभी महाजनपद की हम बात करेंगे, जनपद और राष्ट्र के बीच में महाजनपद। अब आते हैं महाजनपद आखिर बने कैसे, बड़ा व्यवहारिक सा जवाब है इसका कि महाजनपद बने कैसे। महाजनपद बनने का सबसे बड़ा कारण था अपने शासन का विस्तार, राजनीतिक विस्तार, अपने अंतर्गत आने वाली जो भूमि है उसको बढ़ाना, अपनी शक्ति को युद्ध के माध्यम से अन्य तरीके से विस्तारित करना। इसी कारण से धीमे धीमे चीजें बड़ी होती चली गई। समय के बढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से एक वृक्ष बड़ा होता है बिल्कुल वैसे ही गांव से बड़े बनने लग गए थे जन, जन से बड़े बनने लग गए थे जनपद और जनपदों से भी बड़ी संरचना अब महाजनपदों की आने लगी थी। महाजनपदों का जो मुख्य कार्यभार जिस जगह से होता था, पूरी राजनीतिक प्रक्रिया जहां से हुआ करती थी उसी को कहा जाता था राजधानी, मतलब जहां पर शासक निवास करेगा और वहीं से वो अपने पूरे क्षेत्र के लिए नियमों का और सभी आदेशों का प्रस्तावना प्रस्तुत करेगा, हम कहेंगे कि वह राजधानी रहेगी। तो 16 महाजनपदों के उदय के कॉमन कारण क्या थे? सबसे पहले तो लोहे का व्यापक विस्तार होने लग गया था, कृषि में लोहे के इस उपयोग के कारण अधिशेष पैदा होने लग गए थे, व्यापार बढ़ने लग गया था, शक्तियां बढ़ने लग गई थी आर्थिक रूप में, और क्योंकि अब ये ग्रामीण और कबीलाई समाज अब एक सभ्य समाज की ओर या एक नगरीय समाज में बदल रहा था जहां पर पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें फिर दिखाई देने लग रही थी जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में दिखती है, इसलिए इसको द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहते हैं। राजाओं के द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा,
कृषि का विस्तार, कृषि अधिशेष, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, प्रशासनिक स्तर पर रक्त संबंधों का खंडन, कई जगह पर योग्यता की बात आने लगी, सामाजिक धार्मिक मानदंड में स्थायित्व आया, अब ज्यादा बदलाव नहीं हुए क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म का विस्तार हो रहा था, नए क्षेत्रों की खोज लगभग पूरी हो चुकी थी, हम पश्चिम से लगभग पूर्वी किनारे तक पहुंच चुके थे। आइए 16 महाजनपद को एक नजर देखते हैं। इधर गौर करिएगा सभी लोग, याद करना कैसे इन 16 महाजनपदों को, पहले हम वो बता देते, पहले तो कुछ जनपद महाजनपद सॉरी याद कर लिए जाएंगे। जैसे कि भारत से बाहर केवल 2 महाजनपद हैं, तो हम अपनी टाइम मशीन में सबसे पहले आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा पर। वहां पर एक महाजनपद है कंबोज महाजनपद। अगर हम बात करें तो कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है वो राजपुर थी। राजपुर, सोचिए कि विस्तार कहां तक था महाजनपद के समय में। और दूसरा है पाकिस्तान के भीतर गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। तो क्षेत्र का नाम है गांधार, जैसे क्षेत्र मान लीजिए, कई लोग नए विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए तो घबराना नहीं, क्षेत्र का नाम है गांधार और उस क्षेत्र में जो एक जगह होगी, एक नगर होगा, उसका नाम या जो राजधानी होगी उसका नाम होगा तक्षशिला। जैसे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, वैसे। तो 2 जो महाजनपद है वो भारत के बाहर है, पर केवल इकलौता महाजनपद जो विंध्य पर्वत के ठीक नीचे मिलता है, क्योंकि थोड़े ज्योग्राफी के भी विद्यार्थी है आप लोग, तो विंध्य पर्वत के ठीक नीचे मिलेगा, या मैं कहूंगा कि इकलौता महाजनपद जो दक्षिण भारत में मिलता है असक कहलाता है। असक कहलाता है, अगर हम बात करें तो असक गोदावरी नदी के किनारे पर माना जाता है, गोदावरी नदी के किनारे पर माना जाता है, सबसे दक्षिणतम महाजनपद है। तो 16 महाजनपद में 2 महाजनपद कंबोज और गांधार तक्षशिला और कंबोज। फिर हम बात करें तो तीसरा राजधानियां याद करवाऊंगा मैं, घबराना नहीं। फिर एक और महाजनपद जिसे आप याद रख सकते हैं, या एक की जगह मैं को 2 महाजनपद याद रख सकते हैं। एक तो मालवा के क्षेत्र में उज्जैनी का नाम आपने या उज्जैन का नाम सुना होगा, वहां का जो महाजनपद है वो अवंती है, जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। तो मालवा के क्षेत्र में उज्जैनी, और मध्य प्रदेश का ये जो बिल्कुल मध्य भाग है, वैसे तो अवंती भी जो महाजनपद है वो भी मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगा, गुजरात का कुछ भाग जरूर आ सकता है। यहां चेदी जो महाजनपद है ये शिशुपाल वाला है, शिशुपाल। कृष्ण ने 100 गलतियां 100 गालियां माफ की थी, 101 पर गर्दन उड़ा दी थी, ये चेदी है। फिर थोड़ा सा राजस्थान की ओर याद रखना, राजस्थान में इकलौते महाजनपद के रूप में, इकलौता मतलब पूरी तरह से, बाकी तो कुछ सीमा पर एक था और, तो मत्स्य महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद कैसे याद रखेंगे राजस्थान वाले को, राजस्थान रेगिस्तान वाली जगह, आज तो वहां पानी तक नहीं है लेकिन उस जमाने में मछलियां रहती थी, ऐसे मतलब ऐसे याद रखना, हाथ से कर रहा हूं मैं। तो मत्स्य महाजनपद तो ऊपर 2 चले गए, कंबोज गांधार, नीचे असक आ गया दक्षिण वाला, मध्य प्रदेश में अवंती आ गया, चेदी आ गया, और राजस्थान में आ गया मत्स्य, राजस्थान में आ गया मत्स्य। अब इसके बाद अधिकतर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलते हैं। तो पहले ऊपर वाले याद रखना, इस तरीके से आगे बढ़ते चलना, फिर हम एक पूरा चक्र बनाएंगे, इस तरीके से हम एक पूरा चक्र बनाएंगे। तो फिर आएंगे कुरू पर, कुरु राजवंश, महाभारत की सबसे बड़ी सभा वहां, जहां कई बार कहा जाता है क्या कुरु राजवंश इस बात को झेल पाएगा, तो वो जो कुरु है जिसमें इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, फिर पांचाल नरेशी द्रौपदी। तो कुरु राजवंश की जो एक बहू थी पांचाल नरेशी,
फिर कौशल, कौशल वज्जी, वज्जी में ही हम बात करते हैं, कौशल हुआ, वज्जी हुआ राम जी वाला, और वज्जी मतलब सीता जी वाला। फिर मल्ल, मल्ल मल्ल हुआ। फिर ये अंग नरेश वाला जो अंगराज, अंगराज कर्ण, अंग की ओर आएंगे। फिर अंग से आ जाइए मगध की ओर, मगध, मगध से आ जाइए काशी, काशी से आ जाइए वत्स्य, वत्स्य उधर मत्स्य है, इधर वत्स्य है। फिर वत्स्य से आ जाइए सोरसेन की तरफ, मथुरा वाला कृष्ण जी का, सोरसेन की तरफ। तो फिर वापिस आते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, कुरु, कुरु से पांचाल, पांचाल से कौशल, कौशल से वज्जी, वज्जी से मल्ल, मल्ल से अंग, अंग से मगध, मगध से काशी, काशी बनारस वाराणसी वहां की राजधानी। फिर वत्स्य, और फिर वत्स्य से आ जाएंगे सोरसेन, सोरसेन। तो एक बार पहले याद करते, क्योंकि चीजें याद होनी चाहिए। भारत के बाहर कंबोज और गांधार, दक्षिण भारत, सभी को मैप दिख रहा होगा, दक्षिण भारत असक, मध्य प्रदेश अवंती चेदी, राजस्थान मत्स्य, मत्स्य तो मुझे ऐसा याद हो गया राजस्थान वाला कि मछली, मत्स्य मछली। फिर कुरु, कुरु से चलिए पांचाल, पांचाल से आ जाइए भगवान राम की नगरी पर, कौशल, कौशल से वज्जी पर आ जाइए, फिर वज्जी से आ जाइए आप मल्ल पर। मल्ल मतलब एक तरीके से ऐसा सोचिएगा कि मल्ल या माल्या से, याद रखना मेरे को माल्या से थोड़ा सा ये याद आया, मतलब मैंने देखा माल्या, तो मल्ल, मल्ल से अंग, अंगराज कर्ण। फिर अंग से हम वापिस आ रहे हैं अब भारत की ओर, तो मगध मिलेंगे, सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद मगध। मगध से हमें मिलेगा फिर बनारस, काशी, वाराणसी वहां के अस्सी घाट। फिर वत्स्य, और वत्स्य के बाद सोरसेन, मथुरा वाला जो क्षेत्र है। तो मुझे उम्मीद है कि अधिकतर लोगों को पहले तो यहां तक की बातें याद हो गई होगी, कुरु, पांचाल, फिर कौशल, वज्जी, याद करते चलिएगा उस लाइन से। फिर मल्ल पर आ जाना, माल्या वाली जगह मल्ल, फिर अंगराज कर्ण तक चले जाना अंग, फिर मगध लौटना, मगध से काशी पर पहुंचना, काशी से वत्स्य पर पहुंचना, वत्स्य से फिर मथुरा चले जाना कृष्ण की नगरी में। आइए पहले तो 16 महाजनपद कंबोज, गांधार, कंबोज लगभग ऊपर मिलेगा, मतलब सिंधु घाटी के ठीक ऊपर, हम कह सकते हैं कि हिंदू कुश पर्वत के आसपास, असक, अवंती और चेदी, राजस्थान मत्स्य। फिर ऐसे चलते चलिएगा, कुरु, दिल्ली से चलते हुए पांचाल, कौशल, फिर मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स्य, सोरसेन। अब सवाल यह है कि ये सारी जानकारी इतिहासकार कहां से लाते हैं? क्या उस समय कोई किताब लिखी गई थी, कोई बता रहा था हमें? जी नहीं, अभी भी अधिकतर जानकारी हमें साहित्य से प्राप्त हो रही है, धार्मिक साहित्य से प्राप्त हो रही है। अधिकतर जो जानकारी हमें मिल रही है वो धार्मिक साहित्य से मिल रही है, क्योंकि इस दौरान बौद्ध और जैन धर्म का जो विकास हुआ था उसके कारण इन दोनों धर्मों की जो जानकारी है वो ज्यादा सटीक मानी जाती है। तो हमें ये जो जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से, और जैन धर्म के, जैन धर्म के या जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से। तो मैंने इसे ऐसे याद रखा है कि बौद्ध धर्म और अंगुत्तर निकाय BA, तो यहां पर BA और यहां पर JB, जैन धर्म के भगवती सूत्र से। क्योंकि अगर बौद्ध धर्म रहेगा तो बौद्ध का भगवती BB तो नहीं हो पाएगा, इसलिए BB में प्रतिकर्षण है, विरोध होता है। इसे याद रखने के लिए अपना अपनी कहानी बनाएगा, क्योंकि फैक्ट है भाई, रटने पड़ेंगे।
तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलेगा, और वही जैन धर्म के हैं हम कहेंगे कि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से मिलती है। दोनों में इन 16 महाजनपदों के नामों में थोड़ा बहुत अंतर है। वास्तविक रूप में हम कहेंगे कि नामों में अंतर की जगह पर एक तरीके से केवल उच्चारण में अंतर है, पर लगभग अधिकतर जगह पर जानकारियां एक जैसी ही मिलती है। तो मुख्य रूप से यहां पर हम जितनी बातें कर रहे हैं, इतिहासकारों ने जब इन ग्रंथों का अध्ययन किया तब उन्हें इस समय के बारे में जानकारी मिली, और उन्होंने फिर कड़ियां जोड़ी है बस कि शायद फिर ऐसा रहा होगा, वैसा हुआ होगा, ऐसी बात हुई होगी। तो इन साहित्यों के माध्यम से हमें मैक्सिमम जानकारियां मिल रही हैं। हाँ, इस दौरान हमें कई सारे कुछ चीजें वास्तविक रूप में मिलती हैं, जैसे कि सिक्कों की बात करें तो सिक्के अब यहां से हमें दिखाई देंगे। महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छाद्योग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो मुझे लगता है कि अब ये सवाल केवल नाम मात्र का सवाल है, तेजी से आंसर देते चलिएगा, तेजी से आंसर देते चलिएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथों में अलग अलग महाजनपदों का उल्लेख है, किंतु बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणिक स्रोत है, अंगुत्तर निकाय, क्योंकि तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट और व्यापक जानकारी है। अगर बौद्ध और जैन धर्म में अगर कहा जाए कि भी 19-20, तो बौद्ध धर्म के बारे में, या हम कहेंगे कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय के बारे में जो जानकारी उससे हमें प्राप्त होती है वो ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा प्रमाणों के साथ प्रस्तुत की गई है, इसलिए बौद्ध धर्म से जो प्राप्त होने वाली जानकारी है वो ज्यादा स्वीकार की गई है। बौद्ध ग्रंथ का संकलन जैन ग्रंथों से पहले प्रारंभ हुआ था, महाजनपदों के शासकों के द्वारा बौद्ध ग्रंथ के संकलन में सहायता भी की गई थी, और बौद्ध ग्रंथ में लिखित जानकारी का अभिलेखीय साक्ष्य से तालमेल होता है, मतलब जो इस ग्रंथ में जानकारी दी गई है उसके हमें कुछ प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, और इसी कारण से हमें इन स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ की ओर झुकाव मिलता है। तो इस टाइम मशीन में अभी तक हमें पता चला कि हमें 16 महाजनपदों की यात्रा करनी है, भारत से बाहर भी जाना है दो जगह पर, दक्षिण भारत में भी हम जाएंगे गोदावरी नदी तक, राजस्थान में हम जाएंगे मत्स्य में, मध्य प्रदेश में अवंतिका की बात करेंगे, चेदी की बात करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे कुरु से, लाइन से चलेंगे, कुरु से पांचाल चलेंगे, पांचाल से कौशल चलेंगे, कौशल से वज्जी चलेंगे, वज्जी से मल्ल चलेंगे, माल्या जिसको हमने कहा कि भाई माल्या के रूप में याद रखना, फिर अंगराज कर्ण का दर्शन भी करेंगे, अंग जाएंगे, अंग से फिर काशी मगध चले जाएंगे, मगध से काशी चले जाएंगे, फिर काशी से हम ऊपर की ओर जाते हुए मथुरा पहुंचेंगे, बीच में वत्स्य भी आएगा, वत्स्य से मथुरा चले जाएंगे। तो सभी को पहले तो याद हो जाना चाहिए, ज्यादा जरूरी ये है, मगध महाजनपद का उत्कर्ष। सबसे पहले तो जानते हैं इन महाजनपदों में आखिर मगध ही शक्तिशाली क्यों हुआ। तो आइए जरा एक चीज समझते हैं आप लोगों को, मैं थोड़ा व्यवहारिक समझाना चाहता हूं, इतिहास को तो इतिहास की नजर से देखेंगे लेकिन हम जीवंत देखें। मुझे बताइएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, क्योंकि उसकी प्रौद्योगिकी, उसके अंदर शिक्षा, उसका व्यापार, उसके जो शासक थे, उसके जो राष्ट्रपति रहे जिन्होंने भी शासन चलाया, उसका जो प्रशासन था, उसकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। या वर्तमान में चीन पर भी आ जाते कि चीन आखिर इतना शक्तिशाली क्यों हो रहा है, कई बार शासक रोल निभाते हैं, कई बार परिस्थितियां रोल निभाती हैं, कई बार हम कह सकते हैं कि व्यापार बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो कुछ अतिरिक्त नया कुछ नहीं है जो आज के दौर में आपको चीन की महाशक्ति के बनने के कारण लगते हैं, कुछ वैसे ही कारण मगध के भी थे। जैसे कि अमेरिका की महाशक्ति के बनने के पीछे जो कारण थे, लगभग वैसे ही कारण मगध के भी थे।
बस उस जमाने के नजरिए से देखना है, बाकी तो लगभग सारी बातें आप भी कहेंगे कि सर बिल्कुल ये बातें तो वहां पर भी है यहां पर भी है। तो जो मगध हैं जिसकी पहले राजधानी राजगिरा थी या राजगृह थी, राजगृह के बाद ये पहाड़ों के बीचों में मिलता है, तो राजगृह जो राजधानी थी वो सुरक्षित थी, चारों तरफ से पहाड़ी है, एक तरीके से राजमहल की पहाड़ियां आप अगर देखेंगे, आज जैसे हम राजमहल की पहाड़ियां कहते वही वो राजगृह है, वही पर सुरक्षित थी, तो हमले होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर ये हमला कर सकते थे। यहां पर जो जंगल थे इनको हाथी बड़ी संख्या में मिल गए थे, और हाथी जैसे एनिमल को जिसने अपने वश में कर लिया तो वो तो बाहुबली बन जाता है, आपने मूवी देखी थी बाहुबली, तो फिर ये तो बाहुबली बनने ही थे। फिर उसी रूप में अगर हम बात करें तो बाद में इनकी जो राजधानी बनती है वो पाटलिपुत्र बनती है, तो नदी के संगम पर है, नदी के कारण भी सुरक्षा है, क्योंकि उस जमाने में नदी को पार करना और फिर आक्रमण करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, तो सुरक्षित जगह रही। व्यापार बड़ा विस्तार हुआ तेजी से, कई प्रकार की सेना विशेष रूप से इनके पास थी, और कुशल शासक रहे। ऑब्वियसली होता है ना भी कि सब परिस्थितियां ऐसी है जो उन्हें महाशक्ति के रूप में उभरने में सहायता कर रही थी, पर ऐसा नहीं कि अकेला मगध ही उतना शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली जरूर था, लेकिन कुरु जो था वो महाजनपद भी शक्तिशाली था, उधर अगर हम बात करेंगे तो काशी महाजनपद भी शक्तिशाली था। हाँ, लेकिन ओवरऑल में कहे तो महाजनपदों में सबसे सबसे शक्तिशाली अगर कोई महाजनपद था तो वो मगध ही था भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मगध में शासन करने वाले जो वंश हैं, मगध में जो शासन करने वाले वंश हैं, वैसे तो हर्यक वंश से माना जाता है, लेकिन महाभारत में एक ही जगह पर उल्लेख है बृहद्रत वंश का, बृहद्रत ही उसका राजा था, ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है, लेकिन इतिहासकार हर्यक वंश को मगध के रूप में, मगध में शासन करने वाले वंश के संस्थापक के रूप में मानते हैं। फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, और अंतिम रूप में मौर्य वंश, और मौर्य वंश में अंत में आते हैं अशोक। तो अब आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग के दरवाजे खोलिएगा, मैं आपको लेकर आ गया हूं टाइम मशीन में मगध की ओर। और उस समय आप कह रहे कि सर हमने तो बाकी देखा नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल अद्भुत, बहुत शक्तिशाली यहाँ के जो शहर हैं बड़े आलीशान लग रहे हैं, राजा भी बड़ा अमीर लग रहा है, क्या कारण रहे होंगे? तो उस पर हमने चर्चाएं की कि भाई देखो ऐसा रहा होगा। फिर इस टाइम मशीन में मैंने कहा कि भाई अगर आप पूरे समय काल को देखेंगे तो कई सारे वंश यहाँ पर रहे हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और फिर मौर्य वंश की बात आती है। तो आइए थोड़ा सा मगध के बारे में, वंश और राजाओं के बारे में तुम्हें मैं बता दूं। आप सभी लोग टाइम मशीन के अंतर्गत बैठकर बस देखते चलिएगा कि पहला वंश, फिर उसके बाद किसने उसे खत्म किया, फिर क्या बात हुई। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हर्यक वंश में बिंबिसार शुरुआत, बिंबिसार इधर ध्यान देना, बिंबिसार और बिंदुसार बहुत अलग है। हर्यक वंश का पहला है ये, और बिंदुसार मौर्य वंश में दूसरी बार आता है। तो बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। तो पहले कैसे याद रखेंगे, बिंबिसार और बिंदुसार में मात्रा के आधार पर अ आई पढ़ा है सभी ने अ आई पढ़ा है ना भाई, तो मुझे बताना पहले ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। तो भाई पहले ई की मात्रा आएगी तो बिंबिसार, और फिर ऊ की मात्रा आएगी तो बिंदुसार। बिंदुसार बाद में आएंगे, बिंदु बाद में आता है और बिंबी पहले आएंगे। तो बिंबिसार अजात शत्रु, सब अपने पिता को मारते हैं, यहां मैक्सिमम जो है वो अपने पिता को मारकर राजा बनते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था कि एक विशिष्ट धर्म में ही ऐसा होता है, हमारे भारत में ये इतिहास में पहले भी मिलता रहा है। तो इतिहास को इतिहास के नजर से देखना, धर्म के नजर से मत जोड़ना। शक्ति की लड़ाई है लाल लालियो, हर कोई शक्तिशाली बनना चाहता है, हर कोई शासन करना चाहता है, हर कोई विशिष्ट बनना चाहता है, और हर कोई इतिहास में नाम दर्ज करना चाहता है।
तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयभद्र या उदायन, उसके बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडक और नागदशक, नागदशक के फिर धोखे से हत्या कर ली जाती है उनके उपराज्यपाल के द्वारा या मंत्री के द्वारा। तो उनका जो वंश होता है वो शिशुनाग, तो यहां वंश बदल गया, शिशुनाग वंश, फिर कालाशोक या काकवर्ण वंश, काकवर्ण महा जो शासक बनते हैं, फिर इनकी भी ऐसी हत्या होती है धोखेबाजी से, फिर नंद वंश की स्थापना करता है महानंदीन, महापद्य और घनानंद। यही घनानंद है भाई जिनके, जिनसे नाराज हो गए थे चाणक्य कौटिल्य और कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता राजन, ऐसे डायलॉग कहे थे। तो घनानंद, घनानंद से नाराज होकर फिर चाणक्य अपनी चाणक्य नीति कौटिल्य नीति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के इतिहास में प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजवंश की स्थापना करते हैं। फिर आते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद फिर अशोक, और अशोक के बाद फिर कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध के बाद एक तरीके की शांति। तो क्या लाल लालियों को थोड़ी सी कहानी अब समझ में आई है? अभी हम एक एक को भी देखते चलेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हर्यक वंश बिंबिसार से शुरू होगा और नाग दशक तक चलता रहेगा। शिशुनाग, तो देखना कैसे नाम याद रखना है, बिंबिसार, बिंबी से शुरू हुआ, बिंबी से शुरू हुआ, नाग में बदला, उस नाग ने शेष नाग का अवतार लिया, उस शेष नाग ने काल, काल शोक किया, काल शोक, काल शोक से महानंदीन आया, महानंदीन घनानंद में बदला, फिर घनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य आए और यह बिंदुसार होते हुए अशोक तक गए। बिंबिसार, नाग, फिर शिशुनाग, नाग दशक, फिर शिशुनाग, शिशुनाग से नंदीन, नंदीन से घनानंद, घनानंद होते हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य से होते हुए आप पहुंच जाएंगे अशोक तक। तो क्या आपको मगध राजवंश में या सॉरी मगध महाजनपद में अलग अलग राजवंश का आइडिया लग चुका है? क्या आपको पता चल गया है कि कहानी कहां से शुरू होती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कई कारण थे, आर्थिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण। अगर आज आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका के महाशक्ति होने के कारणों का विवेचना कीजिए तो भी यही कारण बताओगे, चीन के महाशक्ति होने के कारणों की विवेचना कीजिए तो भी यही कारण बताओगे। जो भी महाशक्ति बनता है उसके कारण यही रहते हैं। इसलिए इतिहास का एक अच्छा फायदा है, एक बार पढ़ लो बार बार बोलते चलो। तो आज पढ़ लेना कि महाशक्ति क्यों बने, बस थोड़ा बहुत बदलाव होगा लेकिन कारण तो यही रहेंगे। आर्थिक कारण, सबसे पहले तो आप मगध को जरा देख लीजिएगा कि मगध की अगर हम बात करें तो किस जगह पर है। यही मगध राजगीर से पाटलिपुत्र तक जाएगा तो गंगा नदी का किनारा मिलेगा। गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन जैसी नदियों के क्षेत्र में कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, अधिशेष, कृषि अधिशेष, अधिशेष मतलब हमें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी अगर पैदा कर ले तो उसे कहते हैं अधिशेष, उसको बेचा जाएगा, कमाई होगी। सिंचाई की सुविधा, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, धान की रोपनी, रोपण पद्धति का विकास, फसलों की डाइवर्सिटी, लोहे का कृषि में व्यापक स्तर पर प्रयोग, गहरी जुताई संभव होने से अतिरिक्त कृषि उत्पादन, क्योंकि उस जमाने में वही बहुत बड़ी तकनीक थी जो गहरी जुताई कर सके। खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने से लोगों में योग्यता का विकास हुआ, अब लोग आराम से चिंतन करने लगे थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि से व्यापार वाणिज्य हेतु आधार निर्मित हुआ, गंगा थी तो नदी मार्ग भी था व्यापार के लिए। धान की अधिक पैदावार ने प्रजनन क्षमता में वृद्धि की, जनसंख्या भी वृद्धि हो गई।
सैन्य क्षमता में वृद्धि हुई, विशेष गतिविधियों को बढ़ाया गया, अधिक अनाज की पैदावार से राज्य की आय बढ़ गई, फलस्वरूप अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था। अब यह प्रशासन भी अच्छा हो गया, होता है कि पांचों उंगलियां घी में, तो इधर पैदावार भी बढ़ रही है, कृषि का विस्तार भी हो रहा है, व्यापार भी बढ़ रहा है, प्रशासन भी मदद कर रहा है। मगध क्षेत्र में लोहे और तांबे की खाने जिसने शस्त्रों को बढ़ावा दिया और कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन। तो मगध क्षेत्र में लोहे की खाने, आप ले लीजिए छोटा नागपुर का पठार। जंगली क्षेत्र की उपलब्धता होने से अच्छी किस्म की लकड़ी मिली जिसका प्रयोग रथ बनाने में हुआ। लकड़ी और लकड़ी से निर्मित वस्तुओं ने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया। तो लकड़ी की उपलब्धता के कारण मकान बनने के साथ साथ रथ बनना, कई सारी चीजें लकड़ी से निर्मित की जाने लगी। मगध क्षेत्र में हाथियों की अधिकता होने से गज सेना का विकास हुआ और हाथी की सेना के सामने कई सारी सेना लड़ने से पहले ही भाग जाती थी। आहत सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ जिससे विनियमन प्रणाली का आधार मिला। मतलब अब बार्टर सिस्टम वहां पर न चलकर सिक्कों चलने लगे। व्यापारिक श्रेणियों का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में मजबूती मिली और अन्य महाजनपद में इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं थी और इसी कारण से जो मगध महाजनपद है वो इतना शक्तिशाली हमें दिखता है। उल्लेखनीय कि अवंती महाजनपद के अंतर भी, अवंती उज्जैनी वाला अवंती, वहां पर भी लोहे की खदान थी लेकिन बाकी चीजें वहां उतनी नहीं थी समृद्ध। अंतर्गत भी लोहे की खाने मिली और यही कारण था कि अवंती के साथ मगध का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, किंतु अन्य मामले में अवंती मगध के समकक्ष नहीं था और अंततः मगध से पराजित हो गया। आहत सिक्कों का मतलब होता है ऐसे सिक्के जिन पर कोई निशान मिलेंगे। पंचमार्क सिक्के 500 ईसा पूर्व, इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं होता है। प्रारंभ में चांदी के सिक्के मिलते थे। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं, तो विशेष ठप्पा मारकर बनाए गए सिक्के आहत सिक्के हैं, जिसमें घाव किया जाता है सिक्के पर, इसलिए उसका नाम आहत रख दिया है। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं जैसे मछली, पेड़, मोर, यज्ञ वेदी, हाथी, शंख, बैल, खरगोश, ज्यामितीय वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण जैसी संरचना मिलती है। कुछ भौगोलिक कारण भी थे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जो राजधानी थी वो पहाड़ों से घिरी हुई थी, जब पाटलिपुत्र बनी तो वो नदियों से घिरी हुई थी क्योंकि पाटलिपुत्र भी गंगा और सोन के संगम पर मिलता है। तो अगर हम बात करें, मगध की राजधानी राजगृह सुरक्षित स्थान पर स्थित थी एवं 5 बड़ी पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में बनने वाली राजधानी पाटलिपुत्र भी नदी दुर्ग के क्षेत्र में स्थित थी और बाह्य आक्रमण से लगभग सुरक्षित थी। मगध मूलतः नदी जलमार्ग पर स्थित था और इन नदी जलमार्गों पर मगध का पूरा आधिपत्य था, जिस कारण न केवल व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला बल्कि इससे सैन्य दृष्टिकोण से भी सुरक्षा प्राप्त हुई। इन नदी जल मार्गों का यातायात व्यापारिक गतिविधियों के साथ सैनिक के आवागमन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मगध महाजनपद की क्षेत्रीय स्थिति मानसूनी वर्षा की भी अनुकूल थी क्योंकि यह मैदानी भाग था। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी थी, हर साल मिट्टी नई होकर आती थी, उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता था। परिणाम स्वरूप कृषि का जो विस्तार हुआ, फिर उसके बाद लकड़ी की जो प्राप्ति हुई और उससे जो रथ के अलावा लकड़ी का व्यापार जो शुरू हुआ, इसने इन्हें अतिरिक्त आय के स्रोत उपलब्ध कराए। लोहे की खान ने इसके व्यापार को मजबूती दी और कुशल प्रशासक और बेहतर शासकों की उपस्थिति के कारण मगध को वो सब कुछ मिला जो एक महाशक्तिशाली या महाजनपद के महाशक्तिशाली बनने के लिए जरूरी था। बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनाग, महापद्मन जैसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासकों की निरंतरता, बहुआयामी कूटनीति का प्रयोग, वैवाहिक नीति, मैत्री नीति, युद्ध नीति, मतलब जहां जहां उन्हें लगता था कि विस्तार करने के लिए युद्ध नहीं मित्रता करते हैं, जहां मित्रता से आगे की बात होगी तो विवाह कर लेंगे या फिर अगर दोनों ही संभव ना हो तो युद्ध करेंगे, तो इस तरीके से इन्होंने अपने शक्ति विस्तार के लिए साम, दाम, दंड भेद सब अपनाया। सुनिधि, वत्स्यकार, दीर्घचारण जैसे उच्च स्तरीय कूटनीतिज्ञों की उपलब्धता, कुछ बड़े समझदार लोग भी यहां पर रहे।
और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि सुनिधि वत्सकार दीर्घ चारण जैसे लोग सैन्य शक्ति को बढ़ाने की नीति पर बहुत विश्वास था इनका, और सांस्कृतिक कारणों में मगध का वैदिक संस्कृति के प्रभाव में लंबे समय तक नहीं आना, क्योंकि वैदिक संस्कृति में कर्म कांड को बहुत प्रधानता दी गई थी। व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाने की जगह अपने मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान देते थे, इसी कारण से यह शक्ति विस्तार पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अमेरिका के विस्तार में भी या अमेरिका के शक्तिशाली होने में भी यह बहुत बड़ा कारण था कि उनकी धार्मिक आस्थाएं उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही, जबकि वह अपने शक्ति विस्तार राजनीतिक। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैंने जो अनुभव किया पूरे इतिहास के दौरान कि जो भी साम्राज्य धार्मिक की जगह राजनीतिक और आर्थिक कारकों पर गौर करता है वह महाशक्ति बनी जाता है। तुम वर्तमान में नहीं, पूरे इतिहास में ढूंढ लेना कहीं पर भी, जिस शासन काल ने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया वही महाशक्ति बना, और जो धर्म की ओर मुड़ गया या तो उसे शांति का मार्ग अपनाना पड़ा या फिर उसका विनाश हो गया है। तुम इसे तालिबान से भी जोड़ सकते हो, तुम इसे किसी भी कट्टरपंथी धार्मिक राज्य से भी जोड़ सकते हो, फिर वो फ्रांस की क्रांति के बाद का परिणाम कहो या फिर ब्रिटेन की गौरवमय क्रांति की बात करो या फिर किसी भी अन्य क्रांति की बात करो। जो शासक राजनीति और आर्थिक कारकों पर गौर करेगा वही वास्तव में देश को या शासन राज्य को विकास की ओर ले जाएगा, और जो धर्म के रास्ते में आ जाएगा वह कमजोर पड़ता चला जाएगा। इसलिए धर्म को व्यक्तिगत मुद्दा रहने दीजिए, राज्य का मुद्दा बनने मत दीजिए। अतः मगध लंबे समय तक यज्ञ धार्मिक कर्मकांड वर्ण जाति व्यवस्था आदि से दूर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि मगध के शासकों के साथ ही जनता भी अधिक व्यवहारिक रही और परलोक के बजाय इति लोक में इह लोक में विश्वास करने पर केंद्रित रही। वो कोई कल्पना नहीं करते थे कि हम मोक्ष प्राप्त होंगे, वो कोई कल्पना नहीं करते थे कि हमें ऐसा कुछ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, 72 हुरे मिलेगी, ऐसा कोई कल्पना नहीं है। वास्तविकता है उनकी कि भाई यही लोक है, यही सत्य है, और इसीलिए मगध का महाशक्ति बनना लाजमी था। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला है बृहद्रथ वंश, पर बृहद्रथ वंश वास्तविक रूप में महाभारत में इसका केवल एक बार वर्णन मिलता है। इतनी सी जानकारी मिलती है कि मगध का प्रथम शासक बृहद्रथ था बस, पर इतिहासकार इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हर्यक वंश है, हर्यक वंश को पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वाले वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के अधिकांश शासकों ने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायीन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। BAU AMN कोई ट्रिक्स बने, आपके पास कोई ट्रिक्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसे मैंने ऐसे याद रख सकता हूं कि बिंबी से शुरुआत होती है, नाग दशक पर अंत होता है, नाग दशक पर, क्योंकि उसके बाद फिर अगला वंश जो आएगा उसमें नाग ही आएगा कोई राजा। तो बिंबिसार, बिंबिसार से अजात शत्रु, अजात शत्रु से उदायीन, उदायीन से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से मुंडक और मुंडक से नागदशक, मुंडक से नागदशक। कोई है लाल लाली जिसके पास कोई ट्रिक्स होगी? ठीक है, ठीक है। यूपीएससी क्या स्वीकार करती है, यूपीएससी क्या स्वीकार करती है, यूपीएससी इन सभी कारणों को स्वीकार करती है, सीक्वेंस वाइज याद रखना। तो बिंबिसार, बिंबिसार से अजात शत्रु, अजात शत्रु से उदायीन, उदायीन से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से मुंडक, मुंडक से नागदशक। आइए कहानी बना देते हैं।
एक कहानी बना लेते हैं, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए तो मैं एक कहानी का निर्माण करके आपको ये ट्रिक्स लाइव बता देता हूं कि भाई ट्रिक्स ऐसे याद रखिएगा। देखे भाई, सबसे पहले बिंबी का निर्माण हुआ, इस बिंबी ने शत्रुता का निर्माण किया, शत्रुता का निर्माण किया जिससे नई चीजें उदय हुई, जिससे नई चीजें उदय हुई और पुरानी चीजों में अवरोध उत्पन्न हुआ, अवरोध, अवरोध मतलब अनिरुद्ध, और इन अवरोधों से हमें मुंडक जैसे लोग या मुंडक जैसे लोगों से मुलाकात करनी पड़ी। फाइनली दशकों के बाद नाग दशक आए, तो शत्रुता बिंबी से शत्रुता हुई, बिंबी से शत्रुता से उदयमान हुए कई सारे अवरोध, इन अवरोधों से निर्मित हुआ एक तरीके से मुंडक, और मुंडक से अंतिम रूप में समापन हुआ हम कह सकते हैं कि नाग दशक का। बाकी आप अपनी कहानी याद रखिएगा। बीएयू अमन, बीएयू बाऊ अमन, बाऊ अमन कुछ लोग ट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी के रूप में समझ लेते हैं। तो बिंबी से शत्रुता हुई, बिंबी से शत्रुता से उदयमान हुआ, उदयमान हुआ बिंबी से शत्रुता से उदयमान हुआ अवरोध, और उन अवरोधों से मुंडक बने, और उन मुंडक से ही अंतिम रूप में नाग दशक बने, अंतिम रूप में नाग दशक बने, जैसे आप याद रख सकते हैं। एक लाल कह रहा है बीच उधार मन गना नहीं, बीज उधार मांगना नहीं होगा, बीज उधार मांगना नहीं, ठीक है ठीक है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब हर्यक वंश, लाल लालियो, हर्यक वंश में बिंबिसार, बिंबिसार इसकी स्थापना करता है, तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण सब साहित्य धार्मिक ग्रंथों से लिए गए हैं, मत्स्य पुराण में बिंबिसार के लिए क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में श्रोणिक शब्द का उपयोग है। बिंबिसार के लिए कुछ जगह क्षेत्रोजस या श्रोणिक शब्द का उपयोग है। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजग्रह या गिरिव्रज, गिरिव्रज इसीलिए कहते थे क्योंकि गिरि मतलब पर्वत, पांच पर्वतों के बीच में था, इसीलिए गिरिव्रज या राजग्रह उस समय मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी बिंबिसार के दौरान हम कह सकते हैं कि राजग्रह थी जो पांच पहाड़ों से घिरी हुई थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज, चंपा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को आंसर देने में दिक्कत आएगी। मगध के विस्तार के लिए बिंबिसार ने तीन प्रकार की कूटनीति का सहारा लिया। इतिहास में ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये पहला शासक था जो केवल युद्ध ही या केवल और केवल युद्ध को ही शासन का विस्तार का रीजन नहीं मानता था, बल्कि वह मित्रता भी करता था, वैवाहिक संबंध भी करता था, तीन रास्ते अपनाता था, मित्रता, वैवाहिक संबंध या फिर युद्ध। तो मैत्री कूटनीति, अवंती नरेश चंडो प्रद्योत की पीलिया की बीमारी को, मतलब अवंती का जो नरेश था उज्जैनी, अवंती का नरेश जो उज्जैनी था उनको बीमारी हो गई थी पीलिया की, जॉइंटिस की जो बीमारी हम कहते हैं, जिसमें लीवर खराब होता है, तेल बंद कर दिया जाता है, तो उस समय इनके दरबार में एक बहुत ही बड़े फेमस वैद्य थे जिनके बारे में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जीवक, जीवक नामक वैद्य, जीवक नामक वैद्य, जीवक जीवन देने वाला वैद्य, जीवक, जीवक वैद्य को इन्होंने भेजा था। साथ ही साथ गांधार नरेश पुष्कर के दरबार में मैत्री दूत भेजे थे, तो गांधार नरेश, गांधार नरेश पाकिस्तान तक्षशिला, वहां पर भी मैत्री के लिए नरेश पुष्कर के दरबार में मैत्री दूत भेजे थे, तो मैत्री दूत भेजे इन्होंने, मित्रता करने के कई प्रयास किए, और उसके बेसिस पर भी कहा जाता है कि अपने शक्ति विस्तार में मदद ली इन लोगों की। वैवाहिक नीति,
इतिहास में बिंबिसार की 500 रानियां होने की चर्चा मिलती है, ऐसी चर्चा मिलती है, लेकिन दो विवाह इसके प्रचलित है, मतलब चर्चा में रहते हैं। तो महाकौशल, कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, और चेलम्मा, चेलम्मा वज्जी नरेश चेतक की पुत्री चेलम्मा, वज्जी नरेश चेतक की पुत्री चेलम्मा, इन दोनों के साथ वैवाहिक संबंध होते हुए यहां पर भी अपना प्रभाव डालते और युद्ध नीति में अंगराज कर्ण के अंग महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला देते हैं। तो बिंबिसार काफी समझदार शासक, शासन विस्तार के लिए साम दाम दंड भेद प्रत्येक प्रकार की नीति को अपनाया, कई जगह पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किया, दूत भेजे या फिर जीवक जैसे वैद्य को भेजा अवंती में। वैवाहिक संबंधों में भी दो वैवाहिक संबंध काफी चर्चा में है, महाकौशल और चेलम्मा, और युद्ध नीति के तहत अंगराज को भी या अंग महाजनपद को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि मगध ने अंग को भी अपने कब्जे में किया, अवंती तक में अपनी मित्रता को जोड़ा, यहां तक कि हम कह सकते हैं कि गांधार सबसे पूर्वी महाजनपद की ओर भी इन्होंने चीजों को अपने मित्रतापूर्ण चीजों के साथ जोड़ा। फिर विवाह के रूप में कौशल की बात कर सकते हैं और चेदी की बात कर सकते हैं। फिर आए अजात शत्रु, अपने पिता की हत्या करके, अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर बैठा, और इसीलिए इनको पिता की हत्या करने वाला वंश भी कहते हैं, इनका उपनाम कुनिक। अजात शत्रु ने अवंती महाजनपद के भय से राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण, चार दीवारी का निर्माण कर दिया, मतलब राजगृह में इन्होंने पूरी तरह से दुर्ग का निर्माण किया। तो यहां से राज दरबार में दुर्ग बनने की प्रक्रिया भी मिलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि पिता के मित्र थे, तो जब उन तक खबर पहुंची होगी कि भाई पिता की हत्या करके राजा बन गया है, तो शायद वो नाराज हो और कहीं हम पर हमला करे, तो उसके पहले ही उन्होंने अपनी राजधानी को सुरक्षित कर लिया। अजात शत्रु जलमार्ग के महत्व को समझते हुए नदी दुर्ग की संकल्पना के रूप में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाना चाहता है। इस प्रकार अजात शत्रु पहला मगध शासक था जिसने पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व को समझा था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक, उपनाम कुनिक दिया जाता है, तो किसे कुनिक कहा जाता है? पितृहंता वंश, तो आंसर आएगा ऑब्वियसली बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु को हर्यक वंश के कुनिक के रूप में जाना जाता है। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में रणनीतिक महत्व को समझ लिया था, मतलब पाटलिपुत्र के महत्व को समझ लिया था? तो फिर हम कहेंगे कि अजात शत्रु ने। अजात शत्रु के सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जी हां, महापरिनिर्वाण, स्वर्ग की ओर जाते हैं जो दिखाया जाता है बौद्ध धर्म में। तो पूछा जाता है कि किस राजा के काल में, मगध में कौन से राजा का काल था, कौन से शासक थे जिस समय बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण करते हैं? तो आठवें वर्ष, इसलिए राजगृह की शातकर्णी गुफा में अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आजकल किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर, किसी व्यक्ति के जन्मदिवस के मौके पर कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय इसी तरीके की यह संगीति आयोजित की गई होगी। आपको क्या लगता है लाल लालियों? तो इसलिए राजगृह की शातकर्णी गुफा में अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में
तो राजग्रह की सातकर्णी गुफा, जगह का नाम, राजा शासक अजात शत्रु, अध्यक्षता करते हैं महाकश्यप, और पहली बौद्ध संगीति। बहुत सारे सवाल हैं जो लाल लाली पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, घबराइए नहीं, मैं पीडीएफ क्लास के बाद अवेलेबल करा दूंगा, पीपीटी के रूप में नहीं, हमारी टीम आपको पीडीएफ बकायदा A4 साइज के पेपर में दे देगी। पर अभी आप पढ़ने पर गौर करा करिएगा, कितनी बार समझाया है कि पहले कंसेप्ट पर लगे रहा करिए। मास्टर अजात शत्रु की बात कर रहा है, बिंबिसार की बात कर रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर रहा है, राजग्रह की बात कर रहा है, और लाल लाली लगे है पीडीएफ। ये कुछ ऐसे नहीं लगता है जैसे कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की क्लास में संजय दत्त बीच में खड़ा हो जाए और कहे क्या वह फॉर्म भरना जरूरी है, तो वैसे ही मेरा लाल है पीडीएफ 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 पीडीएफ। तो मेरे लाल मास्टर पीडीएफ दे देगा, अभी पहले जरा इस पर गौर तो करो। अभी टाइम मशीन में हम लेकर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि देखो कैसे राजा की अपने पिता की हत्या की, फिर राजा बना, फिर उसके बाद आगे क्या हो रहा है। तो अजात शत्रु के 8वें वर्ष में ही हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है और उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति सामने आती है, सातकर्णी गुफा में अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। अजात शत्रु अपने महान कूटनीतिकार वत्स्यकार की सहायता से, देखना अजात शत्रु का काफी, मतलब हम कहेंगे कि एक तरीके से चाणक्य जैसी ही बुद्धिजीविता थी, वत्स्यकार की सहायता से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और वज्जी को मगध में मिलाने में वत्स्यकार की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। तो वज्जी को मगध में मिलाने में वत्स्यकार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। रथ मुसल, पत्थर फेंकने वाली एक प्रकार की तोप, सोचिए कि उस जमाने में भी, भैया वर्तमान में बारूद और गोले वाले फेंकने वाले हमारे पास मशीनें हैं, तोपे हैं, उस जमाने में पत्थर फेंकने वाली एक मशीन था रथ मुसल, रथ और मुसल, रथ मुसल पत्थर फेंकने वाली एक प्रकार की तोप, और महाशिला, महाशिला मतलब बहुत बड़ा, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक दरवाजा तोड़ने के लिए बड़ा पत्थर फेंकने वाला अस्त्र, यह अजात शत्रु ने वज्जी को जीतने के लिए उपयोग किया था। रथ मुसल और महाशिला कंटक, बाहुबली मूवी देखी होगी तो उस बाहुबली मूवी में कुछ सीन दिखाए गए, सोचिए कि कुछ वैसी ही मशीन होगी जो पत्थर को फेंकती होगी दूर तक। वज्जी के विरुद्ध संघर्ष में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र घोषाल की मृत्यु हो गई। तो वज्जी के विरुद्ध संघर्ष करने के दौरान आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खली पुत्र घोषाल, इनकी मौत हो जाती है, फैक्ट याद रखना। तो हम कहेंगे कि जो वज्जी हैं, उस वज्जी को जीतने का जो बात आती है वो यही से आती है, वज्जी को जीतने की बात जो आती है। फिर आते हैं उदायन उदयभद्र, उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो अजात शत्रु ने महत्व समझा लेकिन राजधानी नहीं बनाई, राजधानी बनाया उदायन ने, राजधानी उदयभद्र ने बनाई पाटलिपुत्र को, और जिसके रणनीतिक महत्व को अजात शत्रु ने पहचाना था। उदायन जैन और बौद्ध धर्म दोनों को समान रूप से मानने वाले शासक थे, मतलब वो दोनों धर्मों का सम्मान करते थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो हम कहेंगे कि उदायन या उदयभद्र, उदायन या उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्वीकार किया। और एक तरीके से मुंडक के बाद फिर अंतिम रूप में नागदशक, जिन्हें दर्शक भी कहते, नागदशक महाजनपद के हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या बनारस के अमात्य, बनारस के अमात्य, अमात्य का मतलब उपराज्यपाल, मंत्री समझ लेना एक तरीके से, अमात्य का मतलब उपराज्यपाल शिशुनाग ने कर दी थी, शिशुनाग ने कर दी। और जैसे ही शिशुनाग ने हत्या कर दी, अब उस राज गद्दी पर नया शासक, नया वंश आएगा, उस राजगद्दी पर नया शासक, नया वंश आएगा।
शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के दो ही राजा हैं, शिशुनाग और कालाशोक या काकवर्ण। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने अवंती और वत्स्य को युद्ध अभियान के द्वारा मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो अवंती से युद्ध किया, क्योंकि इससे पहले ही पूर्ववर्ती शासकों के द्वारा अंग वज्जी कौशल को महाजनपद में मिला लिया गया था और शिशुनाग के लिए अब मगध का विस्तार करने का मार्ग सरल हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी वह तीन महाजनपद अपने कब्जे में कर चुके थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मगध ने वज्जी को मिला लिया, कौशल को मिला लिया, मल्ल को मिला लिया, अब अवंती पर भी हमला कर दिया, वत्स्य को भी अपने कब्जे में कर लिया, अवंती को भी कब्जे में कर लिया, वत्स्य को भी कब्जे में कर लिया। इस स्थिति से उल्लेखनीय कि जब शिशुनाग का पूरा ध्यान वत्स्य और अवंती की ओर केंद्रित था, तो वज्जी के लिच्छवी शासकों के द्वारा मगध के विरुद्ध आंतरिक षड्यंत्र किए जाने प्रारंभ हो गए। तो जो लिच्छवी शासक थे वज्जी के, उनको लगता था कि हमें फिर से अपने महाजनपद को प्राप्त करना है। इस स्थिति से निपटने के लिए शिशुनाग ने वैशाली को मगध की दूसरी राजधानी बनाया, जो वज्जी के केंद्र में थी। तो वज्जी के केंद्र में जो वैशाली है, उसको दूसरी राजधानी बनाकर वहां के षड्यंत्रों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। फिर कालाशोक ने वैशाली के मगध की राजधानी के दर्जे को फिर समाप्त करके वापिस पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। केवल पाटलिपुत्र फिर राजधानी रही। कालाशोक ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर वैशाली में सर्व कामिर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु राजगृह, दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक। कालाशोक ने महात्मा बुद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर, महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने पर वैशाली में सर्व कामीर की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ये बिल्कुल वैसी बात है भाई, ये क्या है संगीति? हम लोग नहीं करते कवि सम्मेलन पुण्यतिथि पर, या जैसे लोगों को बुलाकर कोई कार्यक्रम कर लेना, तो वैसे ही कार्यक्रम की बात है बौद्ध संगीति। तो इतिहास में जो दो बौद्ध संगीति हैं, उस पर भी गौर कर लीजिएगा आप लोग। तो एक तो है अजात शत्रु के कार्यकाल में, दूसरी है कालाशोक के कार्यकाल में। एक जो हो रही है वो राजगृह में हो रही है, और जो दूसरी है वो वैशाली में हो रही है। अगर हम बात करें तो पहली जो बौद्ध संगीति है और जो दूसरी बौद्ध संगीति है, तो पहली 8वें वर्ष होती है उनके अजात शत्रु के कार्यकाल के 8वें वर्ष के बाद, और ये 100 वर्ष महापरिनिर्वाण के पूरे होने पर होती है। तो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति, राजगृह में पहली बौद्ध संगीति। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उस शासक को काकवर्ण भी कहते हैं। तो वह काकवर्ण कोई और नहीं, कालाशोक है। महानंदीन द्वारा धोखे से कालाशोक की हत्या कर दिए जाने पर कोई किसी को छोड़ता नहीं है, फिर से अपने पाप लौट कर आते हैं। मतलब एक कहानी के रूप में, तो महानंदीन के द्वारा धोखे से कालाशोक की हत्या कर दिए जाने पर शिशुनाग वंश का अंत हो गया और महानंदीन के नेतृत्व में नंद वंश की स्थापना हुई। अब आ गए नंद वंश, जिसमें अंतिम आएगा धनानंद, बड़ा क्रूर गुरूर करने वाला मगध में शासन करने वालों में। अब हम आ गए नंद वंश पर। महानंदीन, महापद्यनंद और घनानंद। महानंदीन नंद वंश का संस्थापक, जैन धर्म का अनुयायी। अभी तक बौद्ध धर्म के अनुयायी ज्यादा थे, अब जैन धर्म का। महानंदीन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इसके दासी पुत्र महापद्यनंद ने महानंदीन की हत्या कर दी और नंद वंश का शासक अगला शासक बन गया। तो इसके दासी पुत्र महापद्यनंद ने इनकी हत्या कर दी, कोई किसी को छोड़ता नहीं है।
भाई शक्ति की लड़ाई है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्य नंद था। एमपीपीएससी का सवाल है, महापद्य नंद उपनाम था सर्व छत्रो संहारक भार्गव अपरो परशुराम एक राट एक छत्र। ये जो राजा होते थे ना अलग अलग नाम, जैसे राजा दी अधिराज, फिर जैसे हम देखते हैं कि हमारे मध्यकाल में जो मुगल राजा होते थे वो नवाब या फिर अकबर, इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त करवाते थे। तो ये भी उस जमाने में ही है, जैसे कई लोग अपने नाम के आगे कुछ लिखना चाहते हैं वैसे ही इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण करके रखी थी। तो सर्व छत्रो संहारक मतलब इसका इनका कहना है कि लगभग बहुत शक्तिशाली माना जाता है ये। भार्गव अपरो परशुराम, परशुराम के अवतार के रूप में दिखाया गया है कई कहानियों में इन्हें, परशुराम के अवतार के रूप में। एक राट मतलब राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उस दौर में एक राट। एक छत्र जिसे थे एक छत्र शासन करेंगे हम लोग, तो एक छत्र एक राट अपरो परशुराम भार्गव सर्व शत्रु संहारक, ये महापद्नंद जो थे ना इनके उपनाम थे। महापद्नंद स्वयं को भगवान परशुराम का अवतार मानता था, भार्गव भगवान परशुराम का एक अन्य नाम, अपरो परशुराम अर्थात दूसरा परशुराम, सर्व छत्रो संहारक भगवान परशुराम की तरह सभी क्षत्रियों का संहार करने वाला एक पंडित, एक राट एक छत्र सभी दिशाओं को जीतने वाली जैसी उपाधि धारण करना। मतलब ये अपने आप को परशुराम का अवतार मानते थे, अपने आप को मानते थे, लोग नहीं मानते थे, इसलिए बाद में फिर इतिहास भुला देता है अगर लोग नहीं मान रहे तो। फिर अपने आप को मानते थे कि सभी क्षत्रियों का संहारक है, और क्षत्रियों का संहारक मतलब परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वह एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद क्षत्रियों को जो गलत काम करते थे उनको समाप्त करते थे। तो सर्व छत्रो संहारक का नाम भी लिया उन्होंने अपने इसमें, एक राट एक छत्र सबसे बड़े, भार्गव नाम इसलिए क्योंकि परशुराम का एक और नाम भार्गव भी है। महापद्मन के बारे में कलिंग के खारवेल अभिलेख में भी जानकारी मिलती है, तो कलिंग में अगर आप अभिलेख देखेंगे तो वहां पर एक खारवेल अभिलेख है। इस अभिलेख में उल्लेख है कि मगध नरेश महापद्मन ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की विजय की थी, अशोक के बहुत पहले की बात है ये। कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाकर पाटलिपुत्र ले आया महापद्मन, कलिंग ने तनसुली नामक नहर का निर्माण किया था, तो उस समय वहां पर कृषि कार्य के लिए एक नहर बनाई गई थी तनसुली। उल्लेखनीय कि नहरों के बारे में प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कलिंग के खालवेर अभिलेख में मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहरों के बारे में। पाणिनि नामक व्याकरणाचार्य महापद्मानंद के समकालीन थे जिन्हें अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। तो जो पाणिनि थे, पाणिनि यह जो महा एक तरीके से व्याकरण के ज्ञाता माने जाते हैं, जब भी हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाता है तो पाणिनि का नाम बहुत आता है। तो पाणिनि नामक जो व्याकरणाचार्य महापद्मनंद के समकालीन थे जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये कलिंग वाले क्षेत्र को भी अब अपने कब्जे में कर लिया था। फिर आए घनानंद, वास्तविक रूप में हम अगर कहें तो महापद्मनंद, फिर घनानंद, घनानंद को धनानंद भी कहते हैं कुछ किताबों में। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के समय ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, यही वो दौर था जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था। इसी दौर में माना जाता है कि चाणक्य इनके पास गए थे और कहा था कि हमें सबको मिलकर इस बाहरी शत्रु का सामना करना चाहिए। माना जाता है कि घनानंद बहुत ही क्रूर और घमंडी स्वभाव का था, इसलिए चाणक्य का अपमान बहुत बार किया गया था इनके द्वारा, और इसीलिए चाणक्य ने इनके समापन के लिए एक तरीके से रणनीति शुरू कर दी थी। यूनानी ग्रंथ में भी घनानंद के लिए अग्रमीज शब्द का उल्लेख हुआ है, मतलब वो यूनानी लोग इन्हें अग्रमीज नामक शासक के रूप में जानते हैं। घनानंद के दरबार में शक्ताल स्थूलभद्र नामक दो प्रमुख अमात्य मंत्री, एक मंत्री अमात्य मंत्री और एक सलाहकार थे। शक्ताल मंत्री और स्थूलभद्र
इसके अलावा वर्ष, उपवर्ष, वर वरुचि, कात्यायन जैसे विद्वान घनानंद के समकालीन थे। नाम देखिएगा ऋषियों के, वर्ष उपवर्ष ये ऋषियों के नाम है ना, तो बाद में आप कहेंगे कि सर ये क्या है। वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान, विद्वान विद्वान बुद्धजीवी लोग। कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो महापद्मनंद में पाणिनि, पाणिनि उनके दौर के थे, घनानंद के दौर के वर्ष थे, उपवर्ष थे, वरुरुचि थे, कात्यायन थे। और कात्यायन ने वर्तिका नामक ग्रंथ की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की कूटनीतिक सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वर्तिका, तीनों को संयुक्त रूप से मुनित्रय कहा जाता है। उस दौर में पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथ को, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ को और कात्यायन की वर्तिका, तीनों को अगर संयुक्त रूप से कुछ नाम दिया जाए तो उसे मुनित्रय कहा जाता है। मुनियों के द्वारा, बुद्धजीवियों के द्वारा रचित मुनित्रय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन मतलब जिसके दौरान सिकंदर ने हमला किया था, तो वो कोई और नहीं था, घनानंद था या धनानंद था। तो मगध का उत्कर्ष, मगध को मिलने वाले सम्राट, मगध को मिलने वाली सारी बातें। अब हम बाकी महाजनपद के बारे में भी संक्षिप्त में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं, ताकि बाकी के महाजनपदों का भी हम थोड़ा बहुत भ्रमण कर लेते हैं। तो आइए अब अपनी टाइम मशीन को हम लेकर जाते हैं दूसरे महाजनपदों की ओर और ढूंढते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें चल रही हैं। बिंबिसार से कहानी की शुरुआत हुई थी और सम्राट अशोक पर खत्म होगी, लेकिन अभी हम मौर्य वंश को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य में जहां पर हमें एक तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य मिलेगा, बिंदुसार मिलेगा और सम्राट अशोक मिलेंगे, तो इनके दर्शन हम थोड़े समय के बाद करेंगे। हमने कहा कि चलो अब थोड़े से बाकी महाजनपद के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जुटा लेते हैं। आइए अपनी टाइम मशीन में अब गेयर बदलते हैं और दूसरे महाजनपदों की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले महाजनपद में हम प्रवेश कर रहे हैं। महाजनपद उस दौर में दो प्रकार के थे, राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र, राजा क्या पुत्र राजा बनेगा, और गणतंत्र। याद रखना लाल ले लियो, मैं यहां पर एक बात आपको बता दूं, भले ही इतिहास में ये जो यूरोपीय इतिहासकार है ये अपनी पीठ थपथपाते रहे कि लोकतंत्र हमने दिया, ये अपने आप को कहते रहे कि हमने ही लोगों को बताया चुनाव गणतंत्र की जैसे विचार, और इन्हें हम कहेंगे कि एक बार भारत के इतिहास पर भी नजर डालना। माना संसद, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका ये संस्थाएं आज की देन हैं, लेकिन लोकतंत्र और गणतंत्र की जड़ें अगर आप खोदने निकलोगे तो वह खुदते हुए भारत तक पहुंचेगी। तो हमें गर्व करना चाहिए कि ये जो लोकतंत्र का आडंबर करने वाले पश्चिमी देश के इतिहासकार हैं, इन्हें हम याद दिलाएं कि जिस दौर में तुम सोच भी नहीं सकते थे उस दौर में गणतंत्र रह चुका है हमारे देश में। राजतंत्र और गणतंत्र, राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था। राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यवसायिक सेना होती थी। गणतंत्र शासक में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होता था। तो एक तरीके से राजतंत्र में एक व्यक्ति पर पूरी शासन व्यवस्था केंद्रित थी। तो एक तरीके से आप राजतंत्र को सोचना कि एक ही सत्ता है, और गणतंत्र को संघ जैसा सोचना, संघ जैसा कि एक सत्ता, उसके कई सारे सत्ता, बाकी सत्ता के हिस्से भी। राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित थी। तो राजतंत्र केंद्रीयकरण का प्रतीक है, जहां पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के पास है। गणतंत्र में शक्ति का बंटवारा है, वहां पर राजस्व का बंटवारा है, निर्णय लेने में भी कई सारे परिवर्तन आते हैं।
मल्ल, वज्जी, कंबोज, कुरु गणतांत्रिक चार महाजनपद प्रणाली पर आधारित थे। याद कर लीजिए लाल लालियो, मल्ल, वज्जी, कंबोज, कुरु। तो कंबोज उधर चले जाइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर। कुरु दिल्ली वाला, हस्तिनापुर वाला क्षेत्र। फिर मल्ल और वज्जी, मल्ल जो माल्या वाला हमने कहा था पूर्वी वाला क्षेत्र, वज्जी वही पर है। तो मल्ल और वज्जी गणतंत्र के अंतर्गत कई प्रकार के संघ या गण बने होते थे जो एक ही महाजनपद के अलग अलग भागों पर शासन करते थे। तो महाजनपद के अंतर्गत शासन करने वाले कई गण होते थे और इन गणों से मिलकर फिर पूरा निर्णय हुआ करता था। मल्ल में दो गण पावा और कुशीनारा थे, जैसे कि मल्ल में अगर हम बात करें तो जिन्हें पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल कहा जाता था। वज्जी में आठ समूह थे, वैशाली के लिच्छवी, कुंडग्राम के ज्ञात्रक, मिथिला के विधेय, रामग्राम के कालीय, कौलीय, उग्र, भोग, मौरव्य और इच्छुआकु। मतलब ये गण हुआ करते थे, इन गणों से मिलकर महाजनपद बनता था, निर्णय लिए जाते थे। तो एक तरीके से गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी जो कुछ आधुनिक व्यवस्था संघवाद के जैसा दिखती है। आइए लाल लालियो, सबसे उत्तर में जो महाजनपद है वो है कंबोज, सबसे दक्षिण में जो है वो अशमक भी कहते हैं और असक भी कहते हैं, असक या अशमक। सबसे पूर्व में है अंग, अंगराज कर्ण वाला अंग, और सबसे पश्चिम में हम कहेंगे कि गांधार, जो गांधार उत्तर के रूप में भी आप कह सकते हैं, पर सबसे उत्तर में कंबोज आएगा। वर्तमान भारत की सीमा के बाहर कंबोज और गांधार है। अफगानिस्तान में कंबोज मिलता है, पाकिस्तान में कंबोज और गांधार, क्योंकि कंबोज का क्षेत्र, क्योंकि वो कोई एक जगह थोड़ी है, वो एक क्षेत्र है। तो मान लो ये अफगानिस्तान में मिलता है, ये पाकिस्तान में मिलता है, तो कंबोज को पाकिस्तान में भी गिना जाएगा, अफगानिस्तान में भी गिना जाएगा। पाकिस्तान में स्थित महाजनपद में कंबोज और गांधार, पूरी तरह से गांधार पाकिस्तान में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक या अस्तक, दोनों नाम एक ही है। तो आइए पहले एक आइडिया ले लेते हैं कंबोज और गांधार। आइए टाइम मशीन से अब चलते हैं अफगानिस्तान की सीमा पर, आपको लेकर जाते हैं वर्तमान के अफगानिस्तान में। वहां की राजधानी थी हाटक या राजपुर। तो कैसे याद रखना है, याद कैसे रखना है, कंबोज की राजधानी, अब वो भारत से हट गए हैं, भारत से क्या हो गए हैं, हट गए हैं। तो एक तो है हाटक, एक तो है हाटक, और दूसरा नाम जो उसका रखा गया है राजपुर, राजपुर। तो आप इसको याद रखिएगा हाटक के साथ साथ राजपुर के रूप में। मैं इसे राज कपूर कहता हूं, राज कपूर याद करने के लिए भी राज कपूर ऐसे याद रखेंगे कि राज कपूर, हाटक, कंबोज। कौटिल्य वार्ता शस्त्रोपजीवी, मतलब जो उस समय कंबोज के वार्ता शत्रुपजीवी ईरानी शासक डेलिस और दारा, देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं उस जमाने में वहां पर जो ईरानी शासकों के द्वारा हमले हुए। गांधार आधुनिक पाकिस्तान में स्थित राजधानी तक्षशिला, और पुष्कलावती शासक थे पुष्कर सारी, और यही है चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला जो तक्षशिला महाविद्यालय के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जो बातचीत आपको आती है वो गांधार की आती है। तो ये गांधार है, गांधार की राजधानी तक्षशिला, मुझे लगता है कि इसको कोई ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, या पुष्कलावती। फिर है अशमक, अशमक की जगह अस्तक कहे, दक्षिण भारत में आ जाइए, राजधानी पोतिल भी है, पोत भी है, पाटन भी है। तो कैसे याद रखेंगे, एक्चुअली महाराष्ट्र में पाटन उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां से नहर गुजरती है, पानी गुजरता है, महाराष्ट्र में पाटन का मतलब ये होता है। तो गोदावरी के किनारे वहां पर होने के कारण पाटन, पोत, पोत मतलब नाव के रूप में। तो पोतली हमारे देश का बहुत बड़ा बंदरगाह है मुंबई, तो महाराष्ट्र के रूप में अस्तक को याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में गोदावरी पर, तो राजधानी पोत, पोतली या पाटन। नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, गोदावरी नदी के किनारे कहे ज्यादातर से, विंध्य पर्वत के दक्षिण में केवल एकमात्र महाजनपद। फिर कुरु,
कुरुरा महाजनपद, इसे तो मुझे लगता है कि बताने की जरूरत ही नहीं है। महाभारत की पूरी कहानी कौरव पांडवों की। हस्तिनापुर राजधानी, प्रमुख शासक कौरण्य, कुरु निवासी अपने शारीरिक बल और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। शूरसेन, शूरसेन मथुरा, मथुरा शूरसेन, शूरसेन मथुरा प्रमुख शासक, अवंती पुत्र, अवंती पुत्र के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो शूरसेन की जो राजधानी वह मथुरा, शूरसेन भगवान कृष्ण के नाम पर शूरसेन। वत्स्य, वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र है। वत्स्य का प्रमुख वंश था पौरव और वहां का प्रमुख शासक था उदयन। तो वत्स्य जो महाजनपद है, कौशाम्बी वहां की राजधानी है। इसे भी आप कोई ट्रिक्स बना सकते हैं कि जैसे वत्स्य, वत्स्य और कौशाम्बी, तो वत्स्य और कौशाम्बी, वत्स्य का मीनिंग देखते हुए कुछ ट्रिक्स बन जाए तो देख लीजिएगा। फिर एक काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, काशी बनारस वाराणसी, तो काशी वाराणसी, वाराणसी अस्सी घाट, वरुणी वहां की नदी जो आज नहीं मिलती, लेकिन अस्सी घाट और वरुणी। तो वाराणसी राजधानी, प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त अश्वसेन। ये क्यों है भाई, जैसे हमने मगध के राजा पढ़े ना अलग अलग, वैसे वहां के राजाओं के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभ में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। वास्तविक रूप में मगध जब शक्तिशाली नहीं हुआ था तो उस समय सबसे शक्तिशाली काशी ही माना जाता था। उसका बड़ा कारण ये था कि एक तरीके से बफर स्टेट था। एक तरफ तो हम कहेंगे कि ऊपर आप देखेंगे कि कुरु राजवंश था या कुरु महाजनपद था और नीचे मगध की बातचीत थी, तो ये बीच में आता था तो इसकी भी शक्ति बड़ी विस्तारित हो रही थी। लेकिन धीमे धीमे यहाँ शासक अच्छे नहीं आए। होते ना भाई कि किसी को राजा अच्छा नहीं मिला तो फिर वह विकसित नहीं हो पाए। तो इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहते, मतलब युद्ध के बीच में जो बफर जोन होता है। अंग, अंगराज कर्ण, सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, राजधानी चंपा, राजधानी चंपा, प्रमुख शासक ब्रह्मदत्त। चंपा नदी अंग व मगध के बीच की सीमा बनाती थी। पहली जनपद था जिसे मगध ने विजित किया। सबसे पहले मगध ने इस अंग को ही जीता था और यहां की जो राजधानी है वो चंपा के रूप में जानी जाती है। फिर है पांचाल, पांचाल नरेश, पांचाली द्रौपदी वाला, अहिच्छत्र या कांपिल्य, इसकी राजधानी दो थी, अहिच्छत्र तथा कांपिल्य। पांचाल महाजनपद दो भागों में बटा था, दोनों को भागीरथी नदी उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती थी, इसलिए उत्तर और दक्षिण भाग की भी अलग अलग राजधानियां थी। फिर कौशल, श्रावस्ती, कुशावती। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था और सदानीरा, गंडक, गोमती नदी, सई नदी, प्रसिद्ध शासक वहां के प्रसेनजीत थे, नदियां यहां से गुजरती हैं। वज्जी आठ गणों का संग, राजधानी वैशाली था। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच सीमा रेखा बनाती है और महावीर वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे, महावीर जैन। फिर चेदी, ऋग्वेद में उल्लेख है, चेदी शिशुपाल। चंबल और केन नदी के बीच राजधानी शुक्तिमती या शक्तिमती और प्रमुख शासक शिशुपाल। अवंती, राजधानी उज्जैनी। महिष्मती, बाहुबली वाली मूवी याद करिएगा, महिष्मती। वेत्रवती नदी, महिष्मती नदी। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहां लोहे की खाने थी और चंड प्रद्योत यहां के प्रमुख शासक थे जिनको पीलिया हो गया था। मत्स्य, राजस्थान में चले आइए। उपलव, उप उपलव तथा विराट नगर, विराट नगर यहाँ के राजा के नाम पर ही दो राजधानियां। पशुपालन किया जाता था, गाय के पालने के लिए प्रसिद्ध था मल्ल। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख राजधानी कुशीनारा, पावा। मल्ल नरेश बौद्ध धर्म के दृढ़ अनुयायी थे। महावीर और बुद्ध दोनों का महापरिनिर्वाण मल्ल में ही हुआ था। आइए थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं, एक एक चीजों को समझते, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, बस महाजनपदों में थोड़ी बहुत चर्चा इनमें कर लेते हैं। उत्तर में जो कंबोज है, आप देखेगा कि हिंदू कुश पर्वत या काराकोरम के आसपास का क्षेत्र जो है वो कंबोज का मिलेगा, जो फिर हम कहेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा में,
यहाँ की राजधानी हाटक या राजपुर, अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के जो नगर थे राजपुर थे, नंदीपुर थे, द्वारका थी। कंबोज पहले एक राजतंत्र था किंतु बाद में यहाँ पर गणतंत्र का विकास हुआ। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कंबोज के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी की संज्ञा दी थी। मतलब अर्थशास्त्र जो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, उसमें वहां के निवासियों को उन्होंने नाम दिया है वार्ता शस्त्रोपजीवी। क्या मतलब होता है? वार्ता से तात्पर्य है कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य है। ध्यान देना, वार्ता शब्द बहुत बदल जाता है। वार्ता जिसे हम बोलचाल की भाषा में शब्द कहेंगे, लेकिन यहां पर वार्ता बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है, बल्कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य है। और शस्त्रोपजीवी का अर्थ है शास्त्रों के माध्यम से आय अर्जित करने से है। सुदक्षिण और चंद्रवर्धन कंबोज के शासक रहे थे। सुदक्षिण और चंद्रवर्धन, ईरानी शासक देलिसवन या दारा बहू भी इसे कहते हैं, कंबोज को जीत लिया था। फिर आते हैं गांधार महाजनपद पर, पाकिस्तान का गांधार महाजनपद, वर्तमान में तक्षशिला, राजधानी तक्षशिला, पुष्कलावती, चार सद्दा काबुल घाटी में है। तक्षशिला में चाणक्य के शिक्षक के रूप में कार्य करता था और यहीं पर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने शिक्षित किया तथा एकीकृत भारत की परिकल्पना की। तक्षशिला एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र भी है जहां विश्व के अन्य देशों से भी लोग शिक्षा के लिए आते थे। एक जमाने में नालंदा के जैसे तक्षशिला भी था। गांधार शासक पुष्कर सारिन ने अवंती के नरेश चंड प्रदोत को हराया था। सोचिए, पाकिस्तान से उज्जैन तक आया था। साथ ही पुष्कर सारिन ने मगध नरेश बिंबिसार के साथ मैत्री संबंध, और बिंबिसार ने पुष्कर सारनी के दरबार में दूत भेजा था। बिंबिसार ने मित्रता अपनाई थी। पुष्कर सारनी अपनी त्रिआयामी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था, वही त्रिआयामी कूटनीति जो बिंबिसार अपनाता था। फिर कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद हस्तिनापुर, वर्तमान का दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, प्रमुख शासक कौरण्य, महात्मा बुद्ध के समकालीन था ये कौरण्य। वहां पर कुरु निवासी अपने शारीरिक बल और मानसिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। हस्तिनापुर में बाढ़ की समस्या रहती थी जिसके कारण बाद में निचक्षु नामक शासक ने कुरु की राजधानी कौशंबी को बनाया था, वत्स्य वाली। वस्तुतः यह महाजनपदों के विकास से पूर्व का एक तथ्य है। मतलब माना जाता है कि अब बहुत महाजनपद से पहले की बात है, पर हस्तिनापुर यहां पर याद रखेगा। शूरसेन मथुरा, भगवान कृष्ण पर याद रख लीजिएगा, प्रमुख शासक थे। अवंती पुत्र, ये भी महात्मा बुद्ध के शिक्षक रहे हैं। कई यूनानी ग्रंथ शूरसेन तथा मथुरा का उल्लेख मिलता है यूनानी ग्रंथों में भी। अवंती पुत्र के माध्यम से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ क्योंकि अवंती पुत्र महात्मा बुद्ध के शिष्य भी थे। फिर वत्स्य महाजनपद पर आते हैं। अगर हम बात करें तो ठीक मथुरा के नीचे कौशाम्बी राजधानी, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्म का प्रमुख केंद्र रही है। वत्स्य का प्रमुख वंश पौरव था, प्रमुख शासक उदयन था उसका वंश का शासक। उदयन ने पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो एक बौद्ध भिक्षुक था पिंडोला, उनके संपर्क में आने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कालिदास रचित स्वप्न वास्तवदत्ता में उदयन और वास्तवदत्ता की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। कालिदास के द्वारा रचित स्वप्न वास्तवदत्ता, वास्तवदत्ता अवंती नरेश चंद्र प्रदोत की पुत्री थी। यह भी एक लंबी प्रेम कहानी है, ढाई अक्षर प्रेम के। अवंती का जो शासक था और ये जो वत्स्य का शासक था एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर इनके लड़के और लड़की में प्रेम संबंध थे। अवंती नरेश चंद्र प्रदोत की पुत्री थी और दोनों महाजनपदों में शत्रुता थी। फिर काशी महाजनपद, वर्तमान में मथुरा, वैसा ही वाराणसी, वरुणा और अस्सी नदी, अस्सी नदी कुछ जगह अस्सी घाट भी लिखा है। प्रसिद्ध राजा थे ब्रह्मदत्त अश्वसेन। काशी की पुष्टि पांचवीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री पायान के यात्रा विवरण से भी होती है। काशी के बारे में हमें ये जो चीनी यात्री पांचवीं शताब्दी में आया था उसमें भी मिलती है।
काशी की स्थापना पुरुरवा वंश के राजा काश द्वारा की गई। जब मगध का विस्तार हुआ तो काशी मगध का हिस्सा बन गया था। प्रारंभ में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका अधिकार कौशल और अंग पर भी था, परंतु बाद में योग्य और कुशल उत्तराधिकारियों के अभाव में यहाँ का जो शक्ति हुआ वो कौशल के आगे समर्पण कर गया और काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता था। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान मतलब एक तरीके का बफर जोन। मगध महाजनपद जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, सबसे शक्तिशाली राजग्रह गिरिवज पहली राजधानी थी, फिर पाटलिपुत्र बनी, फिर वैशाली बनी, फिर पाटलिपुत्र बनी, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली और अंत में पाटलिपुत्र बनी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के माध्यम से समस्त भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। फिर अंग जो कि वर्तमान में आप देख सकते हैं सबसे पूर्वी महाजनपद है। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है, राजधानी चंपा आधुनिक भागलपुर और मुंगेल जिले में। प्रमुख शासक ब्रह्मदत्त चंपा नदी अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती है। चंपा एक शासक दधिवाहक जैन धर्म का चर्चित अनुयायी था। चंपा का एक जो शासक दधिवाहक था, दधिवाहन था, जैन धर्म का प्रमुख अनुयायी था। अंग के नगर नियोजन और वास्तुकार महागोविंद थे। अंग पहला जनपद था जिसने मगध से जिसे मगध ने विजित किया था और अंग को जीतने के बाद ही मगध ने इस बात की प्लानिंग की कि अब पूरे क्षेत्र में हमारा ही शासन होगा। फिर पांचाल कुरु के बाद आप देखेंगे कि पांचाल अहिच्छत्र तथा कांपिल्य दो राजधानियां थी। आधुनिक रुहेलखंड उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी, क्योंकि भागीरथी नदी गुजरती है। द्रौपदी का संबंध पांचाल से, इसलिए इसे पांचाली भी कहा जाता था। पांचाल महाजनपद दो भागों में बांटा गया था भागीरथी नदी के द्वारा। फिर कौशल महाजनपद की अगर हम बात करें, वर्तमान में अवध का क्षेत्र, श्रावस्ती और कुशावती, वर्तमान में अगर हम बात करें तो अचिरावती राप्ती नदी के तट पर। श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था, पूछा गया है। सदा नीरा गंडक गोमती नदी सई नदी कौशल की सीमा में मिलती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो यहाँ का था राजा प्रसेनजीत, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में ही किया है। श्रावस्ती के प्रमुख शासक रहे कंस, कंस मामा, महाकौशल, प्रसेनजीत। प्रसेनजीत समकालीन और समायु थे। प्रसेनजीत के समकालीन और समायु थे, मतलब उसी समय दौर के थे। वज्जी महाजनपद, वज्जी आठ गणों का संघ था जिसमें सबसे प्रमुख लिच्छवी था। आठ गणों में भी सबसे बड़ा लिच्छवी था। गण मतलब एक तरीके से राजा, राजाओं से मिलकर महाजनपद। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। राजधानी वैशाली गंडक नदी के तट पर। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। बिहार का बुद्धकालीन गणराज्य है। महावीर वज्जी गणराज्य के ही राजकुमार थे। चेदी महाजनपद, ऋग्वेद में चेदी का उल्लेख मिलता है। चंबल और केन नदी मध्य प्रदेश में आ गए हम। शुक्तिमती शक्तिमती आधुनिक बुंदेलखंड, प्रमुख शासक शिशुपाल। अवंती महाजनपद, उज्जैनी राजधानी महिष्मती, दोनों के बीच वेत्रवती नदी बहती है। मगध के अतिरिक्त यही राज्य था जहां लोहे की खाने थी। चंड प्रद्योत जो महावीर और बुद्ध के समकालीन थे, उन्हीं को हो गया था पीलिया। चीनी यात्री युआन चोंग की रचनाओं में अवंती का कई बार उल्लेख मिलता है। तो चीनी यात्री जो युआन चोंग आए थे, बुद्ध ने प्रचार के लिए अनेक क्षेत्रों की यात्रा की लेकिन कभी वह उज्जैनी नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो अवंती नहीं पहुंच पाए। तो कौन से महाजनपद में कभी नहीं पहुंच पाए बुद्ध? तो हम कहेंगे कि अवंती में। फिर मत्स्य महाजनपद है, राजस्थान का क्षेत्र, उपप्लव विराटनगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के जयपुर अलवर और भरतपुर जिलों में। महाजनपद का नाम इसके संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा। पशुपालन विशेषकर गायों के पालन के लिए प्रसिद्ध। फिर है अशमक महाजनपद, जो सबसे अशमक की जगह अस्तक भी कहा जाता है। पोतली पोत पाटन नर्मदा गोदावरी के बीच में, हम कहे गोदावरी के तट पर। एकमात्र महाजनपद जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में है, महाराष्ट्र में था। यह एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत का अवंतीक ने बाद में अशमक या अशक को जीत लिया था। फिर मल्ल महाजनपद, इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का है। राजधानी कुशीनारा
और पावा थी। मल्ल नरेश बौद्ध धर्म के दृढ़ अनुयायी थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने ही अपने निर्वाण के लिए मल्ल महाजनपद को चुना था, तो दोनों का जो महानिर्वाण हुआ था वो मल्ल में ही हुआ था। सबसे उत्तर में कंबोज, अस्तक, अंग, गांधार, तो हमने इसमें देख लिया कि किस तरीके की सारी चीजें थी। ये महाजनपद काल महान परिवर्तनों का काल था। द्वितीय नगरीकरण महान परिवर्तनों का काल, आर्थिक परिवर्तन, व्यापार वाणिज्य का प्रसार हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ, राज्य द्वारा व्यापारियों को संरक्षण दिया गया, व्यापारियों द्वारा राजाओं की आर्थिक सहायता, व्यापारियों के समूह सृष्टि के बारे में व्यापक जानकारी, द्वितीय नगरीकरण कृषि तथा व्यापार के प्रसार ने स्थायित्व को बढ़ावा दिया, लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण जीवन स्तर में सुधार, वर्ण व्यवस्था का कठोर आचरण, जाति प्रथा का प्रचलन, महिलाओं की स्थिति में अत्यंत गिरावट, फलस्वरूप इन सामाजिक कमियों के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया भी प्रारंभ हुई और जिस तरीके से कठोर धार्मिक कर्मकांड अपनाए गए, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार इन्हीं कारणों से भी होता है। हालांकि यह सामाजिक प्रतिक्रिया धार्मिक आवरण में हुई और महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किए, अर्थात महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति हीन बनी रही। इसका प्रमुख कारण यह था कि महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर और पिछड़ी हुई थी कि महिलाओं द्वारा वैचारिक स्तर पर विद्यमान व्यवस्था के विरुद्ध कोई तीव्र आंदोलन और पहल ही शुरू नहीं की गई। कि हम कहते हैं भाई कि अब वो इतने कमजोर कर दिए गए थे, इतना उनका शोषण कर लिया गया था कि अब उनके पास कोई वैचारिक स्तर ही नहीं बचा था कि वो अपने अधिकारों की मांग भी कर सके। वैदिक धर्म के प्रति तीव्र विरुद्ध प्रतिक्रिया इस दौरान दिखाई देगी और यही है जो वैदिक प्रतिक्रिया होगी वही बौद्ध और जैन धर्म का उत्पत्ति का आधार उत्पन्न करेगी। धार्मिक आधार पर भेदभाव के फलस्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उदय होगा। तो लाल लालियों मुझे जरूर बताइएगा कि महाजनपद काल आपको कैसा लगा। अगली मुलाकात हमारी अब मौर्य काल में होगी, लेकिन उससे पहले हम जैन और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। सभी लाल लालियों को मैं बता दूं कि शनिवार के दिन हम एक टेस्ट रख रहे हैं स्पेशल क्लास के रूप में। लाल लालियों हम एक टेस्ट रख रहे हैं स्पेशल क्लास के रूप में शाम 5 बजे शाम शनिवार को शाम 5 बजे टेस्ट होगा। क्या क्या कवर करेंगे हम इस टेस्ट में, स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट रहेगा। हम लगभग 2 घंटे का टेस्ट रखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल मतलब ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल, चारों यूनिट के ऑब्जेक्टिव सवाल हल करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहिएगा शनिवार शाम 5 बजे। इसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप उस लिंक पर जाकर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा शनिवार शाम 5 बजे। यह अद्भुत कक्षा रहेगी। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। कमेंट जरूर करते चलिएगा कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्या जो उम्मीद हमने की थी वो पूरी हो पाई या नहीं आप लोगों की। बाकी आप लोगों की सजेशन, आप लोगों की सिफारिशें हमेशा ही हमारे सभी टीम के द्वारा देखी जाती है, समझी जाती है। तो जो भी आपको कुछ लगता हो आप सजेशन देते रहिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे की बातचीत। कल 4 बजे जनरल साइंस की क्लास रखी है, 4 बजे